कंजलो चन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पट पीत मा नहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवन सनिकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंद शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण मा जानु भुज सरचाप धर संग्राम जित हर दूषण मिति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि फल दल गंजनम श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भव भय दारुणम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवती मैया की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गंगा माता की जय। भारत माता की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गौरी शंकराभ्याम नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवने रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा बसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं तुल्य वेगम
బుద్ధి మతామ వరిష్టం వాతాత్మజం నరయోథమోఖ్యం శ్రీరామదూతం శరణం ప్రపాదే శ్రీరామదూతం శరణం సీతారామ హనుమాన్ సీతారామ హనుమాన్ సీతారామ హనుమాన్ సీతారామ హనుమాన్ సీతారామ హనుమాన్ సీతారామ హనుమాన్ గాయే సీతారామ హనుమాన్ 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 సీతారామ మాతారామౌ మత్పితారామచంద్రః స్వామీ రామౌ మత్సఖా రామచంద్రః సర్వస్వం మే రామచంద్రో దయాళుః నాన్యం జానే నైవ జానే న జానే నాన్యం జానే నైవ జానే న జానే హర హర మహాదేవ శంభు కాశీ విశ్వనాథ గంగే 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 కాశీ విశ్వనాథ గంగే మాతా పార్వతీ సంగే 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 హర హర మహాదేవ శంభు కాశీ విశ్వనాథ గంగే హర హర మహాదేవ శంభు కాశీ విశ్వనాథ హర హర మహాదేవ శంభు కాశీ విశ్వనాథ గంగే 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 బోలే విశ్వనాథ భగవాన్ కీ జయ గంగా మయ్యా కీ జయ హనుమాన్ జీ మహారాజ్ కీ భగవతీ మాయీ కీ జోర్ సే బోలియె భారత్ మాతా కీ సత్య సనాతన ధర్మ కీ ఓం నమః పార్వతీ పతయే హర హర మహాదేవ్
जय जय राम कथा, जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण, राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा, भाव सहित सो यह कथा, करहु श्रवण पुट पान। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। बोलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सर तीर आप तब आए। बरबस राम गाओ गाओ, सुमंत्र पठाए, सुर सर तीर आप तब आए। मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना कहाई तुम्हार मरम मैं जाना, कहाई तुम्हार मरम मैं जाना। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सर तीर आप तब आए, सुर सर तीर आप तब आए। आज की कथा इसी चौपाई से आरंभ होती है। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुमंत्र जी को भगवान राम ने वापस किया बरबस, और फिर राम जी सुरसरी तीर आए। इस कथा की सबसे पहली जो चौपाई है जहां से कथा शुरू होती है, इसको पूरा पहले माइंड बैठा लो माइंड में अपने कि राम जी किस नदी के तट पर आए हैं। जमुना के तट पर राम जी नहीं आए, गोदावरी के तीर भी नहीं आए, सरजू के तीर भी नहीं आए, किसके तीर आए हैं? सुरसर तीर। और सुरसरी का अर्थ एक तो गंगा जी होता है तो आप जानते ही हो, लेकिन सुरसरी का एक अर्थ और होता है राम भगति जहां सुरसरी धारा, राम की भक्ति ही सुरसरी है, गंगा है। रघुपति कथा भी गंगा मानी गई है, लेकिन राम जी की भक्ति भी गंगा मानी गई है। तो भगवान कहाँ आए हैं? भक्ति के तट पर, न जमुना के तट पर हैं, न सरस्वती के तट पर हैं, गंगा के तट पर हैं। जमुना माने क्या होता है? कर्म। सरस्वती माने क्या होता है? ज्ञान। और गंगा माने भक्ति। ध्यान देके सुनना, भगवान भक्ति के तट पर मांगने आए, मांगी नाव। खुला खुला इसका अर्थ है कि भगवान न तो कर्म के तट पर मांगते हैं, न ज्ञान से मांगते हैं भगवान, भगवान जब भी मांगते हैं भक्तों से मांगते हैं। खुदा को पड़ी ना खुदा की जरूरत, खुदा भी आज ना खुदा की शरण में आया है। जो सारे संसार को पार करता है वो एक भक्त के सामने खड़ा पार होने के लिए मांग रहा है नाव। बहुत प्यारी कथा है मानस की, समस्त कथाओं में से
जो मेरी कुछ बहुत फेवरेट कथाएं हैं मेरी खुद की, तो रामायण की जो हमारी पसंदीदा कथाएं हैं उसमें से एक कथा ये भी है, केवट कथा। और भगवत कृपा से भगवती माई ने ऐसा बढ़िया मौका दिया है कि राम कथा में केवट जी के साथ मैं पूरा न्याय नहीं कर पाता हूँ, बहुत भाग भाग के ज्यों त्यों पूरा करना होता है। आज बिल्कुल फ्री माइंड, फ्री स्टाइल और बिना किसी चिंता के हम लोग केवट भैया को गाएंगे, और आप लोग बहुत मन से इस कथा को सुनिए। गोस्वामी जी इस कथा का शुभारंभ मांगी नाव से कर रहे हैं। गंगा जी का तट है, नाव खड़ी है, केवट बैठा है नाव में, समुद्र को विदा करके राम जी तट पर आए हैं और उनको पार जाना है। इस कथा को शुरुआत में ही दो सिद्धांत बहुत कीमती हैं, इनको जान लो कि राम किसके यहां आते हैं। जिसकी नाव गंगा में खड़ी होती है उसके यहां राम जी आते हैं। अगर आप चाहते हो कि राम जी हमारे भी घाट पर आए, हमारे भी घर पर आए, तो आप भी नाव को गंगा में खड़ी कर दो। अब थोड़ा सा इस कथा के मर्म को समझ लो पहले ही। केवट मर्म जानता है तो आप भी थोड़ा मर्म जान लो। हम इस कथा का मर्म, सबसे पहली बात आप जान लो कि नाव माने क्या होता है। गंगा माने तो भक्ति होता है, कि नाव माने क्या होता है। जिसकी नाव गंगा में है उसके यहां राम जी आते हैं। नाव का पहला अर्थ है उस केवट की दृष्टिकोण से, नाव माने होता है उसकी जीविका, उसका कर्म। केवट की जीविका क्या है? जैसे हमारी जीविका हमारी कथा वाचकी है, मास्टर की जीविका मास्टरी है, नाई की जीविका नाईगिरी है ना, हलवाई की जीविका वो है, लोहार की जीविका कुछ है, ऐसे मल्लाह की जीविका क्या है? नाव चलाना। तो जीविका नाव माने जीविका, ठीक है। अब उसको रखे कहां है? वो गंगा जी की धार में, माने भक्ति की धार में। अब ये कथा एक संदेश दे रही है कि जीविका मना नहीं है, दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, और जीना है तो कुछ करना ही पड़ेगा, बिना कुछ किए जी कहां पाओगे? पापी पेट का सवाल है, बच्चे पालने हैं, परिवार पालना है, कुछ करना पड़ेगा, यही जीविका है हम सबकी। लेकिन हमारी जीविका कहां होनी चाहिए, ये बस ध्यान देने वाली बात है। कर्म मना नहीं है, लेकिन कर्म हमारी जीविका गंगा में पड़ी होनी चाहिए, गंगा में रखी होनी चाहिए। कर्म करना नहीं मना, लेकिन भक्ति विहीन कर्म करना। हमारी जीविका भक्ति मय हो, हमारी जीविका भक्ति में सराबोर हो, ऐसे आदमी के हराम जी आते हैं। कर्म करना नहीं मना है, दुकान करना नहीं मना है। दुकान तो तुलाधार वैश्य भी करता था, सधन कसाई तो बकरी काटता था, सेना नाई हजामत बनाता सबकी, लेकिन सबके यहां भगवान पहुंचे हैं, सब बड़े बड़े भक्तों में आत्मसमार होते हैं। काम कोई नहीं मना है। कबीर दास यही काशी में कपड़ा बुनते थे, जुलाहे थे इसी काशी में, और कहा कबीर में पूरा पाया, मैं पूरा राम को पा गया। कर्म करते करते राम को पाना चाहते हो तो अपने कर्म को, अपनी जीविका को गंगा में डाल दो। अब देखो प्रयागराज में तो क्या घटना घटी है, प्रयाग में क्या हुआ मालूम? वो प्रयाग प्रयाग क्यों हुआ पता है आपको? जमुना जी आई हैं, गंगा मिल गई, बस। जहां पर जमुना गंगा में आके मिल जाए बस वो जीवन प्रयाग हो जाता है। जमुना माने कर्म, जो भी आप कर्म करते हो, कर्तव्य आपके, वो सब जमुना है। अगर आप चाहते हो कि हमारा जीवन ही प्रयाग हो जाए, वो प्रयाग तो जो है सो है, हमारा जीवन ही प्रयाग हो जाए, तो उसका एक ही उपाय है, अपनी अपनी जमुना जी को गंगा जी में डाल दो, बस। भक्ति में कर्म करो। एक बड़ा प्यारा भजन एक संत गा रहे थे, कर्म करो कोई मना नहीं है कर्म करना, कर्म करो पर रहे ध्यान पथ छूटे ना, इतनी भरी हवा गुब्बारा फूटे ना, कर्म करो पर रहे ध्यान पथ छूटे ना, इतनी भरी हवा गुब्बारा फूटे ना, कर्म करो पर रहे ध्यान पथ छूटे ना, इतनी भरी हवा गुब्बारा फूटे ना। हर कर्म के गर्भस्थल में रहता हित अनहित अपना,
हर कर्म के गर्भस्थल में रहता हित अनहित अपना। हर कर्म के गर्भस्थल में रहता हित अनहित अपना। जग जाल विकट ग्रंथि है सच कहो कहो चाहे सपना। जग जाल विकट ग्रंथि है सच कहो कहो चाहे सपना। सहज में छूटे ना इतनी भरिए हवा गुब्बारा फूटे। कर्म करो पर रहे ध्यान पथ छूटे ना। कर्म करो पर रहे ध्यान पथ छूटे ना। इतनी भरिए हवा गुब्बारा फूटे ना। इतनी भरिए हवा गुब्बारा। इतनी भरिए हवा गुब्बारा। जो अपनी जीविका भक्ति मैं तरीके से करता है, भक्ति का उल्लंघन करके नहीं, भजन को छोड़ के भक्ति नहीं। शास्त्रों में कहा गया है कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। करोड़ काम भले छोड़ने पड़ जाएं, लेकिन हरि भजन नहीं छूटना चाहिए हमारा, भक्ति नहीं छूटनी चाहिए हमारी। तो ऐसे आदमी के यहां जो जीविका भक्ति में करता है, नाव को गंगा में रखता है, उसके यहां राम जी बिना बुलाए पधारते हैं। सुर सर तीर आप तब आए। एक अर्थ और लगा लो इस चौपाई का, इस प्रसंग का। गंगा माने तो भक्ति ही अकाट्य है, वो तो अकाट्य है, लेकिन नाव का एक अर्थ और निकल सकता है। नाव माने एक तो जीविका कर्म, लेकिन नाव का एक और अर्थ निकाला जाए तो नाव मैंने जानते हो क्या होता है? भव सागर चाह पार जो पावा। भव सागर चाह पार जो पावा। राम कथा ता कहूं दृढ़ नावा। भव सागर राम कथा था कहूं दृढ़ नावा। अभी इस चौपाई के मुताबिक राम कथा ही नाव है। नाव माने खाली नाव ही मत माना, राम कथा ही नाव मानी गई है मानस के शब्दों में। तो अगर राम कथा नाव है तो जो उसको चला रहा है वो कौन हुआ? वो कथावाचक हुआ, ठीक है ना। तो राम कथा की नाव लिए बैठा है वो व्यास, वो कथाकार केवट। उसको कथाकार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह भी एक सूत्र बन रहा है कि जो कथाकार अपनी कथा को भगवान की भक्ति में डुबक रखता है। ज्ञान प्रधान कथा भी ठीक है, कर्म प्रधान कथा भी ठीक है, लेकिन जिस व्यास की कथा भक्ति प्रधान है, जो अपनी कथा को भक्ति में डुबा के कहता है, ऐसे कथाकार की कथा में स्वयं राम जी सवार होने आते हैं, स्वयं राम जी आते हैं। ज्ञान प्रधान कथा की निंदा नहीं है, कर्म प्रधान कथा की निंदा नहीं है, लेकिन भक्ति प्रधान कथा होनी चाहिए। कथा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ज्ञान। कथा का उद्देश्य कर्म, कथा का उद्देश्य भक्ति होना चाहिए। एक मैंने मंत्र पढ़ा था, किसी महाभारत में शायद पढ़ा था, क्या मंत्र है? यस्मिन शास्त्रे पुराणे च, बहुत ध्यान देकर सुनेगा इस श्लोक को। यस्मिन शास्त्रे पुराणे च हरिर भक्तिर न जायते न श्रूयताम तद शास्त्रम यदि ब्रह्मा स्वयं बदेत। रमेश भाई तो क्या है, किस खेत की मूली है? स्वयं ब्रह्मा यहां बैठा हो व्यास गद्दी पर, स्वयं ब्रह्मा। लेकिन जिस व्यास की कथा भक्ति में न हो, जिस व्यास की कथा से भक्ति की गंगा न बह रही हो, उस व्यास की कथा को न श्रूयताम तद शास्त्रम यदि ब्रह्मा स्वयं उसको बैठे वाच रहे हो, तब भी मत सुनो, टाइम खराब करो। कथा का उद्देश्य क्या होता है? जे यही कथही स्नेह समेता। जे यही कही है सुनी है समझ जे यही कथही
है सोनी है समझे सचे होई है रा चरण अनुरागी होई है राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। राम कथा का परिणाम क्या लिखा है? होई है राम चरण अनुरागी, माने उनको भक्ति की प्राप्ति होगी। कथा का फल है भक्ति। जिसकी जिस व्यास की कथा भक्ति की गंगा में पड़ी है उसकी कथा में सवार होने परमात्मा पधारते हैं, और जब परमात्मा आएंगे तभी तो कथा का फल है। जिस कथम भगवान ना आए वो कथा कथा है। भागवत में कथा आती है, जब वो कथा हुई थी वो हरिद्वार में, चारों बाचे थे महात्मा, वो सनक सनंदन सनातन संत कुमार, तो उसमें विमान बैठ कर गरुड़ सवार के स्वयं भगवान जी आए थे, नारायण जी आए थे। जिस कथा में भगवान ना आए वो कथा कथा है, वो व्यथा है, व्यथा है। और भगवान उसी कथा में आएंगे जिसकी कथा गंगा जी की धार में पड़ी हुई है। बात समझ में आ गई, आ रही ना? तो भर बस राम सुमंत्र पठाए, फिर सुर सरी तीर आप तब आए। गंगा जी के तट पर राम जी पधारे हैं और पार जाना है राम जी को, नाविक नाव लिए खड़ा है राम जी, उससे नाव मांगे। गोस्वामी जी बड़े प्यारे शब्द से शुरू करते हैं कथा को, मांगी नाव न केवट आना, मांगी कहे तुम्हार मरम मैं जाना, कहे तुम्हार मरम जाना। राम जी ने गंगा जी के तट पर मांगा, भक्त के आगे भगवान मांग रहा है। असली भक्त वही है भाई बहनों जो भगवान से नहीं भगवान उससे मांगे, उससे मांगे। कोशिश करो आप, प्रयास करो आप भी भक्ति को इस स्तर पर लेके जाओ अपनी अपनी साधना को, कि आप भगवान से नहीं भगवान को आपसे मांगी, आपसे मांगना पड़े असली भक्त। आजकल भक्तों के नाम पर सब मामला गड़बड़ चल रहा है सब। मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, बस हम लोग खाली मंदिर मंदिर में मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, और मुरादे पूरी नहीं करेगी तो उसको सूखा आटा भी नहीं खिलाऊंगी जा। ये भक्ति नहीं है, ये व्यवसाय है, व्यवसाय। एक बड़ी बड़ी शहर है साहब, कोई किसी से पूछता है कहो व्यापार कितना है व्यवहार कितना है, कोई किसी से मिलता है तो पूछता है कहो व्यापार कितना है और व्यवहार कितना है, लेकिन कोई किसी से नहीं पूछता है कि प्रभु से प्यार कितना है। पूरा सबका ध्यान खाली व्यवहार व्यापार पर है बस। मंदिर मंदिर में लाइन लगा के लोग खाली एक जी पोता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये देव वो देव ये देव, हे मनसा देवी मनसा पूरी करो। इसको भक्ति कहना ही अपराध है। ये सब बिजनेस है, बिजनेस लेन देन जहां है वो व्यापार है। हमने फूल चढ़ाए हमको पोता लाओ, हमने पानी चढ़ाया हमको नौकरी दिलाओ, जहां लेन देन है वो उसका नाम शुद्ध शुद्ध व्यापार है, वो प्यार नहीं। आजकल समाज में 99% भक्ति के नाम पर व्यापार चल रहा है, 0.1% भले कोई भक्ति करता हो कि प्रभु हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हमेशा। ऐसे भक्त कहां हैं? कहां? हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। भक्ति को इस लेवल तक ले जाओ भाई बहनों कि आप भगवान से नहीं, स्वयं जगत का दाता आपके द्वार पर आए और कहे मांगी नाव न केवट आना, आपसे भगवान मांगे। भागवत के सप्तम स्कंध में प्रहलाद जी से पूछा गया, भगवान ने कहा कुछ मांग लो, नरसिंह स्वामी ने कुछ मांगो प्रहलाद जी मैं जाऊं, तो प्रहलाद जी बड़ा बढ़िया उत्तर दिए हैं, ठाकुर जी जो आपकी साधना करे और कुछ मांग ले वो भक्त नहीं है, सनब सब बणिका
उसने बिल्कुल घोषणा कर दिया है, भक्त नहीं हो, बनिया है, बनिया। जो पूजा किया हो, कुछ मांग लिया, वो बनिया है। इतनी कीमती चीज करके और हल्की चीज मांग लो तो ये तो बहुत बड़ी नादानी भी हो गई। अच्छा ये बताओ, कोई आदमी हाथी पाले और फिर उससे हर्ज होता है हाथी से, है बेवकूफी है कि नहीं है? है पक्का है? नहीं है। हाथी पाल के हर्ज होता उससे, खेत जोतो उससे, नादानी है कि नहीं? अरे हाथी गजराज है, गणेश है, हा? हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। उसे हर जोतो, ये बात ठीक नहीं है। भगवान की भक्ति करो, ये उससे हर जोताओ। परमात्मा की भक्ति करके उससे पोता पोती मांगो तो यही हो गया कि हाथी पाल के आप हर जोत रहे उसे। भाई बहनों, एक आदमी था ना, भगवान शंकर की पूजा किया और शंकर जी आए, क्या चाहिए बेटा, बोलो मांग बेटा क्या चाहिए। उसने कहा, सरकार तमाखू ले आए हैं, चून भूल गए हैं, थोड़ा चून मिल जाए तो सुरती खा ले। भगवान ने कहा, वाह रे गुरु वाह, शंकर जी की भक्ति की हो, मांग रहे हो चूना शंकर जी से, अरे कुछ और मांगते यार। भक्ति को आप भी थोड़ा आगे बढ़ाओ और कोशिश करके केवट जैसी भक्ति करो कि आप भगवान के दर पर नहीं, भगवान आपके दर पर आए और कहे, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भर दे रे झोली, आज लुटा दे तू सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा, आज लुटा दे तू सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा, मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे। भगवान द्वार पे खड़ा हो बलि के द्वार की तरह और खुद भगवान मांगे, तब जानना कि आपकी भक्ति असली भक्ति है। केवट परम भक्त है भगवान का, राम जी उसके तट पर आए और उसके दर पर आए और मांगी नाव। राम ने नाव मांगी, केवट ने कहा मैं नहीं लाऊंगा, न केवट आना। तो एक भाई ने प्रश्न किया कि राम जी जब केवट ने मना कर दिया था नहीं आऊंगा तो दूसरी नाव कर लेते पट से, नाव तो वहां तमाम होती, जाओ आप मणिकर्णिका पर, जाओ अश्वमेध दशाश्वमेध घाट पर, वहां कम से कम 250 नावें खड़ी, 300, एक नहीं तो ये, तू नहीं तो तू चल, तू नहीं तो तू चल। तो अगर उसने कहा था नहीं लाऊंगा तो दूसरी नाव कर लेते फट से, उसके साथ कहे घंटों किचकिच किया। तो एक महात्मा ने इसका समाधान ढूंढा कि राम जी की समस्या थी, एक मजबूरी थी, न केवट आना। न केवट आना के दो अर्थ है, एक तो न केवट आना, दूसरे न केवट आना। आना माने दूसरा होता है, दूसरा। आन भात नहीं पाव वही, आन माने, आना माने दूसरा होता है, माने उस दिन बाय द चांस घाट पर दूसरा नाविक था ही नहीं, न केवट आना। अच्छा क्यों नहीं था, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। एक ही नाव क्यों है, राम जी उसके साथ घंटों किचकिच किए घंटों कि भैया नाव ले आओ, चाहे जो करो पार कर दो। क्यों भाई, नावें अगर होती तो मांग लेते राम जी, तू हट पीछे, दूसरे कम, तू आ जा, तू आ जा। लेकिन न केवट आना माने दूसरा केवट था नहीं, और क्यों नहीं था, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। मैंने पढ़ी थी किसी रामायण में, भावार्थ में किसी रामायण पढ़ी थी, छोटी सी एक कथा उसके पीछे है, जरा ध्यान देकर सुनो। पिछली नाइट, इसके पहले रात जब अभी बीती है, जो उस रात में लक्ष्मण जी ने राम जी की परिभाषा सुनाई थी निषाद राजगुह को, ये जो सो रहे हैं कुश पर, ये नर नहीं है, ये मनुष्य नहीं है, फिर कौन है? तो लक्ष्मण जी ने कहा था, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, ये परमात्मा है सो रहे हैं आपके यहां, और कल इनको गंगा जी के पार जाना है। तो निषाद राजगुह ने उसी बीच में वो बुलाए डुगडुगी वाले रतिये में, और घर घर में इतला करवा दिया कि
कि कल राम जी को नाव से पार जाना है गंगा पार, लेकिन जिसकी नाव सबसे बेस्ट होगी, सजी सुथरी फूलों से कालीन बिछी हुई भदोही वाली कालीन और फूलों से लड़ियों से सेंटोन डिस्प्ले करके जिसकी नाव में चेक कराऊंगा अपने मंत्रियों से, जिसकी नाव सबसे बेस्ट होगी उसी पर राम जी को पार किया जाएगा। अब रात रात में खबर फैल गई और सब मल्लाह राम जी को कौन नहीं पार करना चाहेगा, सारे मल्लाह फटाफट बदोही दोही भागे और कलीन मंगाए और फूलों लड़ियां लाए बनारस की फूलों गली गली से और सब लड़ियां लगाए और कलीन बिछाए और सेंटून स्प्रे किए, सब तैयार है कि मेरी नाव फर्स्ट मेरी नाव फर्स्ट। ये जो केवट है बहुत गरीब था, ये इसके घर में खुद का बिछौना नहीं था, बोरे पर सब सोते थे बोरा बिछा करके। अब ये दुखी हुआ जब न्यूज इसने सुनी कि सब कंपटीशन चल रहा है, जिसकी नाव सबसे बढ़िया होगी उसी पर राम जी पार जाएंगे, तो इसके पास खुद का बिछौना नहीं, क्या बिछाता उसमें। फिर रोता हुआ केवट अपनी पत्नी के पास आया और कहा, देवी खबर आई है कि राम जी आए हैं अपने गांव में, ब्रह्म है वो परमात्मा है और कल सवेरे उनको पार जाना है गंगा जी के, लेकिन अपने राजा साहब ने ऐसा अनाउंस करवा दिया है निषाद राज जी ने कि जिसकी नाव सबसे बेस्ट होगी सुंदर होगी खूबसूरत होगी उसी पर राम जी को बिठाया जाएगा, बाकी सब खारिज। तो बाकी सब मल्लाह तो पैसे वाले हैं, लगे हैं अपने जुगाड़ में, सब कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, कि हमारे यहाँ खुद फटा बोरा है इस पर सोते हम लोग, क्या बिछाएं अपनी नाव में, हम कहां से फूल लाएं कहां से सेंट लाएं, टूटी फूटी नाव हमारी है। और केवट की आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे हैं कि देवी मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरी नाव से राम जी पार चले, मेरी ही नाव से राम जी चले। और जब केवट के मोटे मोटे आंसुओं को देखा, उसके उस प्यार को देखा, तो उसकी बीवी ने अपने साड़ी के पल्लू में उसके आंसू पोछे और कहा, स्वामी आप दुखी मत हो, मैंने एक संतों से सुना है एक सिद्धांत, आप भी सुनो। यही पर जाको सत्य सने हो, यही पर जाको सत्य सने हो, सोते ही मिलई ना कछु संदेह हो, सोते ही मिलई हमारे सनातन धर्म का अकाट सिद्धांत है कि जिस पर जिसका सत्य प्रेम होता है सत्य स्नेह हो तो सोते ही मिले। अगर आपकी लगन पक्की है और सच्चा प्रेम है कि राम जी मेरी ही नौका से पार जाएं, तो फिर अगर ये चौपाई सही है तो राम जी आपकी नौका से ही जाएंगे, कोई रास्ता निकलेगा बढ़िया सा। अब बीबी ने जो उसको थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ाया कि हिम्मत से काम लो कोई मार्ग मिलेगा, राम जी आपकी नाव से चलेंगे, उसी बीच केवट के भीतर एक प्रकाश की किरण कौंधी, एक रास्ता मेरे पास है। केवट के जीवन में घटना घटी थी आज के 10-12 साल पहले, हुआ यूं था, ध्यान देकर सुनिए कहानी को। एक दिन ये केवट गया था शिकार खेलने जंगल में, लकड़ी काटने गया होगा, जंगल में गया था, और वही निषाद राज गुह जो है ये राजा इस बस्ती का, इस शिकार खेलने गया था, शिकार खेल रहा था, ये लकड़ी काट रहा था कहीं घने जंगलों में, वहां आसपास कहीं पानी नहीं था कोसों कोसों तक। निषाद राज गुह रास्ता भटक गया, किसी पशु के पीछे भागता रहा और उसको प्यास लग गई बहुत जोर, अब वो पानी ढूंढ रहा था, पानी पाया नहीं तो बेहोश हो गया निषाद राज गुह, पानी के बिना जबान बाहर आ गई, ऐंठ गई, सूख गई, बस गिरा पड़ा था, अब मरे कि अब मरे, तब तक ये लकड़ी काट रहा था वहीं कहीं आसपास, ये केवट ये ना वाला, इसके पास मशक था पानी का थर्मस। देखा राजा साहब मेरे पड़े, मेरे अपने राजा हैं, ये प्यास के बिना मर जा रहे हैं, पानी के बिना मर रहे हैं, फट से थर्मस खोला अपना मशक वो, और लगा के मुंह में पूरा मशक, पानी उड़ेल दिया मुंह में, और निषाद राज गुह के प्राण वापस आ गए, बिल्कुल मरते मरते बच गया। जब देखा सामने हमारा छोटा सा एक प्रजा का आदमी बैठा है केवट, इसने हमारी जान बचाई है, निषाद राज गुह ने उसको नमस्कार किया, कहा केवट भैया तुम खाली मेरी प्रजा नहीं हो, कहा फिर को क्या हूं, कहा से तुम मेरे पिता हो गए हो, मेरे बाप तुल्य हो गए हो, एक जन्म उसने दिया था हमको उस पापा ने, एक बार आज तुमने हमको पैदा किया है, आज मेरी अर्थी उठ जाती अभी आधे घंटे बाद, तुमने पानी पिला के हमको जीवन दान दिया है, मुझको जन्म दिया है,
मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, अब मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं, आपका राजा हूं मैं, सक्षम हूं, जो चाहो एक वरदान मांग लो, जो चाहो, जो मन में हो मांग लो। तो केवट ने कहा, महाराज आपके ऐसा राजा मिला है, पब्लिक का इतना ख्याल रखता है, कुछ कम मेरे पास ही नहीं, कुछ कमी आज ही नहीं तो क्या मांगू मैं। तो निषाद राज गुह ने कहा, मैं इस वरदान को याद रखूंगा, आपका वरदान मेरे ऊपर ड्यू पड़ा हुआ, उधार पड़ा हुआ है, जब चाहे मांग लेना, आपके लिए हमेशा मेरा गेट खुला है, जब चाहे रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे जब कोई चीज चाहिए हो आना, आपका एक वरदान मेरे पास पड़ा हुआ है। लिखा पढ़ी में केवट को बीवी के बताए आत्मविश्वास के कारण वही जो विस्मृत घटना थी, पुरानी घटना थी, पट से याद आ गई, किरण आशा की, एक मेरा तो काम बन सकता है, मेरा तो ड्यू पड़ा है मामला। भागा केवट, रतिये में 1 बजे भागा, निषाद राज गुह के पास पहुंचा, महाराज जी की जय हो, पहचाने हमको? निषाद राज ने कहा, तुमको हम भूल पाएंगे? हमारे जीवन दाता हो तुम, हमारे दूसरे पापा हो तुम, एक प्रकार से तुमको भूल पाएंगे? आपका पूरा चेहरा और पूरी घटना हमारे जहन में अभी तक ऐसे एजिटेड टेप है, और यह भी याद है कि तुम्हारा वरदान मेरे पास एक पड़ा हुआ है। तो केवट ने कहा, सरकार बस वही मांगने आया हूं मैं, आज वही चाहिए। कहा, क्या चाहिए? कहा, कल सवेरे घाट पर नैया खाली हमरी जाए, बस खाली हमरी। वरदान दो कि अब सब जाए, जो भदोही गए हो चाहे चोरी गए हो, काली ने सबका प्रोग्राम फेल होना चाहिए, नाव घाट पर केवल हमारी जय, केवल हमारी, ना केवट आना, दूसरा कोई मल्लाह चाहिए नहीं घाट पर हमको। अब चूंकि वो वरदान बद्ध था, वो अबद्ध था वचन में, फिर बुलाई डुगडुगी वाले हो अनाउंस वाले, घर घर में जाओ, सबको कह दो प्रोग्राम सब कैंसिल हो गया है, कल सवेरे घाट पर खाली एक नाव जाएगी इस केवट की, बस दूसरा कोई नहीं जाएगा। अब बेचारे रात भर सब लगाए थे वे तंबू के नाथ, सब प्रोग्राम मिस हो गया, सब मर गए बेमौत के। हा? अच्छा एक बात बताओ, इनका प्रोग्राम कहे मिस हो गया अचानक? वरदान वाली अगर बात को थोड़ा साइड में कर दो, तो ये सारे मल्लाहों की मेहनत पर पानी कहे फिर गया? राम की सेवा करना चाहते थे सब, पानी कहे फिर गए? जानते हैं इस स्पर्धा कर रहे थे कि हमारी नाव तुमसे बढ़िया होगी, हमारी नाव तुमसे बढ़िया होगी, तुम्हारे यहां थोड़ा आएंगे, देखना कल क्या सेंध छिड़कूंगा। साधना में स्पर्धा, भजन में स्पर्धा, भगवान की सेवा में कंपटीशन, ऐसे लोगों की सारी पूजा पाठ साधना प्रयास सब व्यर्थ हो जाता है। भगवान उस सब पर पानी फेर दे, उसको स्वीकार नहीं करते राम जी। भजन तहीन मत सरा, मैंने आपसे कल कहा था साधना में स्पर्धा वर्जित है, व्यापार में स्पर्धा करो, दुकान में स्पर्धा करो, खेती में स्पर्धा करो, पढ़ाई में स्पर्धा करो, करना है तो भक्ति में स्पर्धा, भजन में स्पर्धा, भजन में कंपटीशन, गंदी बात। ऐसे लोगों का भजन भगवान कबूल नहीं करते हैं, भजन में कंपटीशन वर्जित निषिद्ध। ये सब केवट क्यों खारिज कर दिए गए? सब स्पर्धा में लगे थे, हमारी नाव तुमसे आगे जाएगी, हमारी नाव तुमसे आगे जाएगी, तुमसे आगे हमारी नाव होगी। तब इसीलिए वो केवट अकेला पहुंचा है सवेरे, बात समझ में आ गई? दूसरा केवट कोई था ही नहीं, राम जी की प्रॉब्लम थी कि एक ही था खाली बस। सो मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव काहे तुम्हार मरम मैं जाना, काहे तुम्हार मरम मैं जाना। राम ने उस केवट से नाव मांगी तो केवट ने मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। तो लक्ष्मण जी को लगा शायद ये राम को पहचान नहीं पाया है, तभी मना कर रहा है, और जब राम जी को जान पाएगा कौन नहीं है तभी तुरंत आएगा। भी जानता नहीं जानता, ऐसे कोई पीतांबर पहने खड़ा, धोती पहने खाली पीली पीली, सामान्य कोई होगा बटो ही ऐसे, जब बताऊंगा इसको आगे बढ़ के कि जानते हैं कौन है, परमात्मा है ये, तो ये अभी नाव ले आएगा। लक्ष्मण जी बढ़े कि इसको बताएं राम कौन है, तब तक केवट ने एक दूसरा सेंटेंस दागा, कोई बताने आ रहे थे कि मरम बताऊं इसको कि कौन खड़े हैं ये, तब तक केवट दूसरा सेंटेंस बोला, कहा तुम्हार मरम मैं जाना, मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। लक्ष्मण बताओ यार, वो कोई बोला हम जानते हैं पहले से, तुम क्या बताओगे हमको? लक्ष्मण के सट सट से पांव जहां तहां ब्लॉक हो गए,
कि यार हम बताने से पूछा था कि तुम जान लो कौन है ये, अरे तो अनाउंस करा तुम्हारा मर्म में जाना। राम का मर्म ये जानता है, राम भी हिल गए सुनकर इस बात को कि मेरा मर्म। विधि हरि हर सुर सिद्ध घनेरा, विधि हरि हर सुर सिद्ध घनेरा, को न जान मरम प्रभु तेरा, को न जान मरम प्रभु तेरा। विधि माने ब्रह्मा जी, हरि माने विष्णु जी, हर माने शंकर जी, विधि हरि हर। और खाली यही तीन नहीं, सुर सुर माने 33 करोड़ देवता, और सिद्ध घनेरा लाखों करोड़ों सिद्ध महापुरुष भी जिसका मरम नहीं जानते हैं। और ये केवट कह रहा है तुम्हार मरम में जाना, लक्ष्मण हूं या मरम न जाना। 24 घंटा उसके साथ रहता है परमात्मा राम के लक्ष्मण, वो भी कहता मैं भी नहीं जानता इनका मरम। चार वेद भी थक गए खोज करते करते, आखिरी शब्द है नेति नेति। वेद का अंतिम शब्द क्या है? नेति। नेति माने न इति, न इति, उसका कोई पारावार नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई हद नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। लक्ष्मण जी को भी लगा, राम जी को भी लगा, यार मेरा मरम चार वेद नहीं जानते हैं, 33 करोड़ देवता नहीं जानते, ये कहां से बोल रहा है? तुम्हार मरम में जाना। तो राम जी धीरे से पूछे, भैया मेरा मरम क्या जानते हो तुम? मेरा मरम क्या जानते हो? केवट ने कहा एक नहीं दो ही मरम जानता हूं, दो मरम। राम चौंके, हे भगवान, एक 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 दुर्लभ है, दो ही जानता है। कौन कौन दो जानते हो बोलो? पहला मरम कि तुमको तैरना तो आता है दूसरों को, तुमको खुद तैरना नहीं आता है। तुम तार तो लेते हो लेकिन तुम तैर नहीं पाते हो, वो कला नहीं सीखे हो तुम। आपकी प्रॉब्लम है कि आपको नौका चाहिए है, नाव चाहिए, और मजबूरी का फायदा ना उठाए तो वो मूर्ख है वो। आपकी समस्या है कि आप तार तो लेते हो खूब सबको, खुद नहीं तैर पाते हो, नाव आपको चाहिए चाहिए। और दूसरा मरम मैंने एक और सुना है आपके बारे में कि जब आप जनकपुर जा रहे थे विवाह के लिए, तो वहां रास्ते में एक पत्थर पड़ा था, शिला, और उसमें आपका चरण छू गया था, आपने अपना चरण छुआ दिया था। तो पूरा इतिहास गवाह है, पूरा विश्व गवाह इस बात का है। चरण कमल रज कहूं सब कहाई, चरण कमल मानुष करनी मूर कछुआई, मानुष करनी। लोग कहते हैं, सब कहते हैं इस बात को, सब कहाई। क्या कहाई? कि तुम्हारे चरणों में मानुष करण मूर कछुआई, तुम्हारे चरणों की धूल में कुछ ऐसी। मूर माने क्या होता है? मूर माने बूटी, जड़ी बूटी। कोई आपके चरणों में ऐसी बूटी है प्रभु कि मानुष करण मूर, पत्थरों को मानव बना देती है। ये केवट सही बोल रहा है भाई बहनों, सही बोल रहा है। राम और राम कथा ध्यान देकर सुनना, राम और राम कथा इन दोनों में ऐसी जड़ी है, इन दोनों के पास। इसके टच में जो आ जाए, राम के टच में अथवा राम कथा के टच में, तो इसके टच में आते ही मानुष करण मूर कछुआई, इंसान इंसान बन जाता है, मनुष्य वास्तव में मनुष्य बन जाता है। राम के टच में आ जाए तो, और रामायण के टच में आ जाए तो, मानुष करण मूर कछुआई। राम कथा खाली गाथा नहीं है, ये मानुष करण मूर है, ऐसी दवा है कि इंसान इसके संपर्क में आए कि मानव बन जाता है। आपने कई बार सुना होगा, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, रामायण का पहला शब्द है वर्ण और अंतिम शब्द है मानवा, बिल्कुल लास्ट शब्द है मानवा। इसका मतलब क्या है कि आखिरी पन्ना आते आते, उत्तरकांड आते आते, इसके टच में जो रहेगा उसको ये मानवा बना के छोड़ेगी। अभी लोग मानव है नहीं, मानव भी नहीं है अभी, मनुष्य रूपेण। श्लोक याद है सबको? मनुष्य रूपेण, अभी खाली मानव की चोले में हो, मानव थोड़ा भी हो। ऐसाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म
ते मृत्युलोके भूभार भूता, मनुष्य रूपेण मृग चरंती, मानव के खोल में खाली हम लोग हैं, बाकी जानवर। एक बड़ा बढ़िया श्लोक है, दोनों की तुलना की गई है पशु और मानव की, तो उस श्लोक को सबको याद होगा, पढ़ो। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। ये चार काम दोनों में सेम होते हैं। आहार माने भोजन का जुगाड़, निद्रा माने सोने का ठिकाना, सोने का जुगाड़, कमरा रूम मकान वगैरह, होम हाउस स्वीट हाउस वगैरह फ्लैट, ये सब सोने का जुगाड़, निद्रा निद्रा का जुगाड़ है। भय माने डर और मैथुन माने संतान उत्पादन। ये चार काम पशु और मानव दोनों में सेम है, और सेम नहीं है अगर और गहराई से देखो ना तो इन चारों कामों में मनुष्य पशुओं से बदतर है, पशुओं से बदतर है चारों कामों में। देखिए पशु का जो आहार सेट है फिक्स है वही खाता है, गाय का आहार घास है तो घास खाएगी मांस नहीं खाएगी, और शेर का आहार ऊपर से फिक्स है मांस खाएगा तो घास नहीं खा सकता है। लेकिन आदमी, हाँ आदमी सब खाया जा रहा है, सब खाया जा रहा है। बघवा कभी घास खाता है उसको ऊपर से फिक्स तो मांस खाएगा, जा मांस खा। गाय घास बंदर फल खाता है तो बस फल ही खाता है, फल ही खाता है। लेकिन इंसान, एक महात्मा बोल रहे थे कि तैरने वाली चीजों में नाव छोड़ के इंसान सब खा गया, नाव खाली छोड़ा पानी की वस्तुओं में, और कछुआ और केकड़ा और मछली और सांप और सब 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 झींगा पींगा सब खा जा रहा है, नाव खाली छोड़ी बाकी सब खा गए। और उड़ने की चीजों में खाली पतंग छोड़ी है बाकी मुर्गी और पड़खी और मुर्गी सब सब खा जा रहा है, सब खा जा रहा है। गरगड़िया भी गरगड़िया खा लेता है, खाली पतंग छोड़ा सिर्फ बस। आहार में हम कितने नीचे हैं पशुओं से, कहने को मनुष्य हैं पर तुलना करो तो पशु जो फिक्स है वही खाते हैं और मनुष्य सब कुछ खा रहा है, सब कुछ खा रहा है। कहले कहते भगवान ने सब बनाया सब खाओ, भगवान ने सब बनाया सब खाइए, तो भगवान ने तो पत्थरों बनाए पत्थरा खाओ ना, पत्थरा खाओ। भगवान ने लोहा लोहा चबाओ तो नहीं खाते हो, जो बनाया है भगवान ने सब सब खाएंगे क्या? भगवान ने तो पूरा संसार में सब कुछ खाया होगा क्या? जो खाना है वो खाना है। आहार में भी हम पशुओं से बदतर हैं, वो तो लिखा है सामान्य मेतत कि दोनों में समान है ये, लेकिन समान नहीं है कायदे से देखा जाए तो हम इससे वो नीचे हैं पशुओं से इस मामले में। निद्रा, निद्रा में आपसे हमसे अच्छा कुतवा होता है, जानवर है कुतवा, कुतवा तो सो रहा हो ना और उसके बगल से आप निकलो कितना भी पांव दबा के जाओ, कितना भी पांव दबा के, लेकिन बगल से निकलो कुतवा पट जग जाएगा, पट दे उठ जाएगा। और हम लोग ऐसा सोते हैं फों फों करते हैं फों फों कि कई लोग घर में सोते रहते हैं ताला तोड़ के और सब चोरी हो जाती है, तब उठते अरे हाय तो गवाह, मैंने हमसे आपसे अच्छा कुत्ता है इस मामले में यार, कि उसके बगल से निकलो आप पांव दबा के कितना भी सावधानों के जाग जाएगा पट से, हमारा ताला टूट जाए हमारे चोरी हो जाए सेंध खुल जाए हम सोते रहे, कुतवा से बदतर सो रहे हैं। नींद में भी हम पशुओं से पीछे नीचे हैं। और भय, भय में भी बहुत बदतर है पशुओं से हम लोग, जानवर डरते हैं लाठी को सिर्फ बस, लाठी को भाका को तलवार को लाठी दिखाओ डर जाएंगे, लेकिन इंसान डरता है उन चीजों को जो है ये नहीं, भूतवा परेतवा राहु केतु शनिचर इतवार, हद है यार। अरे लाठी को तो सब डरते हैं जानवर, लेकिन लाठी एक डरो तो डरो ये भूतवा का होते हैं यार, तो क्या होते हैं? कहले कुछ पूछो ये का है, कहा वो गन है वो तो खेत में तो हवा लग गया तो वो डराता है तो ये जंतुर बांधे हैं, हद है यार हद है। पशुओं से बदतर हम लोग हैं डर के मामले में। अरे बंदूक तो डरो ठीक है, तलवार डरो ठीक है, लाठी कोई दिखाए डर जाओ ठीक है, लेकिन ये भूतवा का होता है, भूतवा क्या होता है? इंसान भूत को डर रहा है,
ये अंगूठी, वो पीली अंगूठी, लाल अंगूठी, सफेद अंगूठी, ये का नाजायज भय है, बिल्कुल नाजायज भय है इंसान के अंदर। अरे तलवार को तो सब डरते हैं, उसको तो कुत्ता भी डरता है, गाय भी डरती है, बैल भी डरता है, राहु को राहु को राहु को इंसान डरता है कि हाँ राहु न खा जाए, हाँ केतु न खा जाए। भाई बहनों, डर में भी हम बदतर हैं पशुओं से, आहार में, निद्रा में, भय मैथुन में हम लोग पशुओं के समान हैं, लेकिन समान नहीं है वास्तव में, नीचे है उनसे, हम लोग नीचे हैं। लेकिन मान लो समान है, मान लो अगर पेट का जुगाड़, बच्चे पैदा करना, मकान बनाना, अगर यही काम किए तो पशुभिर नराणाम, हम पशु तो है, ये पशुता है इंसान की, इंसान इंसान नहीं है अभी, इंसान तो रामकथा बनाती है, जो रामकथा सुनता है वर्ण मानवा, मानुष करण मूर कछुहाई, राम के पास और राम कथा के पास एक बूटी है, जब इस बूटी के टच में आओगे तब मानव कहलाओगे, तब मनुष्य बनोगे। भाई बहन, और मनुष्य बन जाओ तो जान लो आपने संसार का बहुत बड़ा काम कर लिया। वेद में लिखा है, वेद क्या कहे, मनुर्भव, हे मनुष्य तू मनुष्य बन, वेद कहता है, मनुष्यों से कह रहा है, मनुष्य बन तू, पहले मनुष्य तो भी है नहीं, मनुष्य बन, और मनुष्य बन जाओ तो बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ा काम। एक बड़ा बढ़िया गीत था पिक्चर में, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान बनेगा, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इंसान खाली इंसान बन जाए तो बड़ा, एक बड़ी प्यारी शेर मुझे याद आ गई, बहुत पहले कहता था मैं इसको, बहुत दिन बाद याद आई दिमाग में, सुनो ध्यान देके सुनो। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, और आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से। ज्ञानी बनना आसान है, तपस्वी बनना आसान है, कथावाचक बनना आसान है, बैरागी बनना आसान है, लेकिन इंसान बनना बहुत कठिन मामला है। जब तक राम अथवा राम कथा के संपर्क में नहीं आओगे, मनुष्य नहीं बन पाओगे, चाहे जो बन जाओ मानव नहीं बन पाओगे। मानव बनाते हैं रामायण, मानव बनाते हैं राम जी, वही केवट कह रहा है, चरण कमल रज कहूं सब कहाई, चरण कमल रज कहूं सब कहाई, मानुष करनी मूरी कछुआई, मानुष करनी मूरी कछुआई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई, पाहन तेना काठ कठिनाई, तरन्यो मुनि घर नी होई जाई, तरन्यो मुनि घर नी होई जाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई। तो मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल लगते ही छुअत शिला, उस शिला में पड़ी थी, उस पे पांव लगा दिया आपने, भाई नारी, वो नारी हो गई थी, पत्थर नारी बन गया था। तो प्रभु, जब पत्थर नारी बन सकता है चरणों को लगने से, तो नाव तो लकड़ी की है, मेड फ्रॉम वुड, और लकड़ी तो पाषाण से मुलायम होती है, पाहन और कहां कास्ट,
जब आपके चरण लगते ही पहान नारी बन सकता है तो लकड़ी तो एक मिनट बन जाएगी महाराज, तरण्यू मुनि घरणी हो जाएगी, मेरी ये नाव नारी बन जाएगी, तो मेरे दो घाटे हो जाएंगे। पहला घाटा होगा ये प्रतिपालों सब परिवारों, ये नाव हमारी जीविका है, ये बन जाएगी मैडम तो खाने वाली एक बढ़ जाएगी घर में, और जो कमाई का धंधा है वो चौपट हो जाएगा, नाव एक मेरे पास खाली है, ये बन जाएगी नारी तो धंधा चौपट पहले तो, अब ये खाने वाली खुराक और बढ़ जाएगी। और दूसरी बात एक और प्रभु जी है, ये नारी बनती मैं कुंवारा होता तो चल जाती, मैं अनमैरिड होता तो चलो आ गई तो चलो चल रहे, हम मैरिड हैं पहले से सरकार, एक हमारे घर पे ऑलरेडी है बुढ़िया, और एक ये बन जाएगी तो दुई नारी संभालना, दुई नारी बड़ी कई मुसीबत होती है यार। एक आदमी था उसकी बीवी बड़ी गुल्ली थी, गुल्ली समझते हैं बहुत छोटी, वो लंबा था 6 फुट का, वो 2.5 फुट की थी, जब जाए मार्केट में तो उसको लोग हंसे कि इतनी छोटी बीवी का देख के क्यों, इतनी छोटी बीवी का देख के क्यों, तो उसने कहा मुसीबत जितनी छोटी हो उतनी बढ़िया है, मुसीबत जितनी छोटी हो उतनी अच्छी होती। ये घर पे मुसीबत पहले है हमारे यहां, और ये कि ये हो जाएगी तुम्हारा जब तुम्हारे जाएंगे, दो को संभालना कोई मामूली काम है क्या? और सुनो सरकार, तुम्हारे पापा ये गलती किए थे, उनके 3 थी, हाँ 3 थी तो आप जंगल के खाक छाने आए हो। अच्छा सोचो दशरथ जी के एक होती अगर कौशल्या खाली तो राम का वनवास होता नहीं होता ना, 3 किए थे बुढ़ो तब आप तो जंगल में खाक छान रहे हो, हमारे 2 हो जाएंगी तो हमारे तो बच्चे जंगल में पहले से ही हैं, तुम जंगल में आए हो हमारे जंगल में पहले से बैठे हैं सब, और दूसरी आएगी तो उनको भेजेगी अंडमान निकोबार बच्चों को हमारे, से प्रभु जानबूझ के फंदा हम नहीं पहनने वाले। और तीसरा खतरा और, मान लो हमारी कास्ट की नारी बन जाए मल्लाहिन की उठानी तो चलेगा, चलो एक और पड़ी रहेगी, प्रॉब्लम जानते हो कहां आएगी, तरण्यू मुनि घरणी हो जाए, ये हमारी बरादरी नहीं बनेगी, वो बनेगी ब्राह्मणी ऋषि पत्नी, और ये ब्राह्मणी बनेगी तो ये हमारे कुटिया में रहेगी नहीं, हमारे बर्तनों का सेट नहीं यूज करेगी, ये हमको छूत मानेगी, हम मल्ला है, वो बनेगी मुनि पत्नी तो कहेगी अब बनाए हो तो हमारे लिए अलग से कुटिया बनाओ, अलग से बर्तनों का सेट लाओ, उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर वाला नया बुक कराओ, और हमारा राशन पानी अलग करो पहले। अब इतना सब करवाने के बाद भी अगर चूक गए कहीं एक कटोरी यहां की वहां चली गई, उन्हें हमारे यहां कटोरिया के पहुंच गए पंडितानी के यहां, तो हाथ में जल लेगी, तेरी कटोरी मेरे यहां कैसे आई, तो भस्म हो जा। तो महाराज हम ये जानबूझ के इतना मुसीबत हम नहीं लेने वाले, सो प्रभु मैं मेरी नाव नहीं खाली, मैं लफड़ा के उन्होंने भगवान ने कहा कैसे पार जाऊं, एक नाव खाली खड़ी है गंगा पार जाना कैसे पार जाऊं, कब कैसे जाऊं, ये आपका हेडक है हमारा हेडक है, हमारी नाव नहीं खाली है, सॉरी प्रभु जी मेरी नाव मैं न केवट आना। तो भगवान ने कहा कोई रास्ता बताओ फिर पार होने का, मना कर रहे हो तो रास्ता बताओ, तो कहा मेरे पास 2 रास्ते और हैं इसके अलावा नाव के अलावा। केवट ने कहा कौन कौन 2 रास्ते, कहा एक रास्ता यही घाट ते थोरिक दूरी अहे कटिलो जल था दिखाई हो जू, जो हमारा घाट है ना इस घाट से थोड़ा हटो बगल में 500 मीटर पर एक घाट और है, वहां थोड़ी बालू पट गई है, वहां कमर तक पानी आ पा रहा है, इस तो इधर से उधर कमर तक पानी केवल, कटिलो जल था, मैं आपको दिखा दूं चल के, निकल जाओ बढ़िया पैदल नाव काम खत्म, कमर तक पानी आराम से धोती से मिलो निकल जाओ। तो राम जी ने कहा यार अगर हम दोनों भैया खाली होते तो निकल जाते, अभी साथ में जानकी है और ये पानी में बहुत डरती है घुसने में, तो कैसे घुसेगी पानी में बहुत डरती है। तो केवट ने कहा इसकी कोई समस्या नहीं है, कहा क्या मतलब, कहा आपकी बीवी है ना, कहा तो ये है कोई शंका है क्या तुमको, अरेज मरेज किया हमने बाकायदा, कहा बीवी है तो इसको उठा लो गोदी, डरती है पानी में घुसने में, उठा लो गोदी निकल लो, आप धोती समेट लो अपनी अपनी और इसको कड़ी उठा लो अपनी गोदी उठा लो। भगवान ने कहा नहीं ये नहीं हो सकता है, माना की पत्नी है, पत्नी गोदी उठाना कोई पाप नहीं होता,
लेकिन दिन दहाड़े बाबा हमारे देख रहे हैं। सूर्य भगवान बाबा हैं राम जी के, पता है आपको, राम जी सूर्यवंशी हैं। बाबा देख रहा हो बाबा के सामने पोता अपनी पत्नी को कोरा तो थोड़ी गंदी बात है। एक मर्यादा होती है कि बड़ों का लिहाज किया जाए, थोड़ा सा प्यार करना मना नहीं, लेकिन प्यार अब दिन दहाड़े किया जाए और प्यार सबके सामने किया जाए, गंदी बात। तो मैं कैसे कर सकता हूं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं बाबा के सामने दिन दहाड़े गोदी उठाऊं, नहीं संभव। तो केवट ने कहा तो फिर समस्या आपकी गंभीर महाराज जी, न तुम पैदल जा पाओगे न तुमको को गोदी उठा पाओगे तो कैसे जाओगे, तो नाव ही लेना पड़ेगा आपको हमारी। कहा नाव लेना पड़ेगा, केवट ने कहा नाव लेना अगर मेरी आपको है तो फिर हमारी एक शर्त है उसको पूरी कर दो तो मैं बैठा लो। कौन शर्त, केवट बोला जाओ प्रभु पार अवश्य गाओ, जाओ प्रभु पार तौ पद पदुम पखारन काओ, मोहि पद पदुम जाओ प्रभु पार अवसि गा चहऊ, जाओ प्रभु पार अवसि गा चहऊ, मोहि पद पदुम पखारन काऊ, मोहि पद पदुम। अगर नाव से चलना है सरकार तो हमको खतरा तुम्हारे चरणों की रज से है, धूल से। हमसे कहो कि हमरे पांव धो लो, मैं आपके पांव धो लूं, ठीक से धूल साफ कर लूं, धूल मिट जाए तो फिर खतरा मेरा टल जाएगा तो बैठा सकता हूं। लेकिन केवट की यहां पर एक आप गहराई देखो, केवट राम जी से कह रहा है मुझको कहो कि मेरे पांव धो, पखारण कहाऊ, मैंने मुझको पांव धोने की आज्ञा दो। अब थोड़ा सा इस प्रसंग के मर्म को समझिए। भगवान की नौ भक्तियां हैं, नौ प्रकार भक्त में सेवा सेवा नौ भक्तियां हैं। कौन कौन, श्रवणम एक, कीर्तनम दो, स्मरणम तीन, और जो केवट कह रहा है ये चौथी भक्ति है, पाद सेवनम माने चरणों की सेवा, राम जी के पैरों की सेवा, ये भक्ति नंबर फोर है। चौथी भक्ति करना चाहता है भागवत के हिसाब से, ध्यान देकर सुनिएगा। तीन भक्तियों में तो इंसान स्वतंत्र है, ऊपर वाली जो तीन भक्तियां हैं श्रवण, इसमें आप बिल्कुल फ्री हो, कथा हो रही है आप सुनो आप ना सुनो आजाद हो आप, आओ ना आओ कोई आप पर जोर नहीं है तिवारी जी का कि नहीं कैसे नहीं आओगे क्यों नहीं आओगे, ना आओ ना आओ, ना सुनो ना सुनो आपकी मर्जी है। श्रवणम में इंसान फ्री है, करे न करे उसमें इंसान आजाद है। कीर्तन में भी इंसान फ्री है, करे करे न करे न करे, कोई आपको जबरदस्ती नहीं करा पाएगा, ना करो ना करो। स्मरण भी आप चिंतन करना चाहो करो, ना करना चाहो ना करो, इसमें ये आपकी मुट्ठी में है। लेकिन चौथी भक्ति जो केवट चह रहा है ये आपकी मुट्ठी में नहीं है, वो तो जिसको राम जी कहे कि ले धोले ले धोले, भाई राम जी के पांव है वो न धोवाए तो वही केवट करा। प्रभु श्रवण तो संभव है, कीर्तन भी संभव है उसमें इंसान फ्री है, स्मरण भी संभव है, लेकिन पाद सेवन तो जिससे आप कराओगे वही कर पाएगा। जैसे मान लो कोई कोई बाबा होते हैं पांव नहीं छुआते, कोई कोई बाबा होते हैं पंडित जी लोग, कोई हिम्मत है आपकी पांव छूने उनकी, छुके दिखाओ, थप्पड़ लगाएंगे चट देखिए गाल पे थप्पड़, नहीं छुआते नहीं छुआते। जैसे मैं किसी घर आऊं और मेरे पांव धोना चाहे हो घर वाला, घर वाला घर वाली जो भी हो कि महाराज जी के पांव धोए और हम धर के डपटे पांव धोते फोटो खींचता हूं मेरा, वो उसमें हम फ्री रहे नहीं है, वो खिंचाए तो खिंचाए ना खिंचाए तो ना खिंचाए, उसकी मर्जी है अपनी। पांव हमारे हैं हम ना धोए आपको डांट दें फौरन, आप धो पाओगे, आपकी कोई जबरदस्ती है मेरे ऊपर, नहीं धोता नहीं धोता। अब मैं कह दू हाँ ले धो लो तो भले धो लो आप, आपकी हिम्मत पड़ जाए हम समेट ले पाओ, नहीं नहीं हिलाओ नहीं मैं पवाने धोता हूं, तो आप कहो ठीक महाराज ठीक महाराज चाय पी लो जाओ नहीं धोएंगे जाओ। वही केवट कह रहा है प्रभु ये चौथी भक्ति मुझे करनी आपकी है, और चौथी भक्ति हमारे बस में नहीं है, वो तो आप कहो कहो आप कहो कि धो लो तो धो सकता हूं मैं, मेरे बस का नहीं है,
वही केवट आज्ञा मांग रहा है कि जाओ प्रभु पार अवश्य गा चाहो, जाओ प्रभु पार चाहो, तौ पद मोहि मोहि पद पदुम पखारन कहो, मोहि पद पदुम। हमसे कहो कि हम आपके पांव धोएं तो बैठा लेंगे। तो राम जी को थोड़ा सा वो हो गया कि यार मेरे पांव इतने सस्ते तो है नहीं जिस मांग रहा है फ्री में, मेरे पांव माने भगवान के पांव इतने आसान है क्या? हाँ, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, बड़े बड़े ऋषि मुनि जन्मों 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 प्रयास करते हैं, बहु नाम जन्मना मनते, तब कहीं जाकर के उपलब्धि उनको हो पाती है, भगवान की प्राप्ति हो, चरण मिल पाते हैं। इतना आसान है मुझको पाना, मेरे चरण पाना, ये किया कुछ नहीं हो, दिया कुछ नहीं हो, फिर मांग रहा है पद पदुम पखारण कहो। तो राम जी थोड़ा सा विचार में लग गए, दूं कि न दूं, इतना महंगा आइटम फिर मांग रहा है, दूं कि न दूं। जब राम जी को थोड़ा विचार में देखा डूबे हुए कि सोच रहे हैं दूं कि न दूं, तब तक केवट ने एक लालीपॉप राम जी को दिया। देखा सोच रहे हैं, फैसला नहीं कर पा रहे हैं, दूं कि न दूं, दूं कि न दूं, केवट ने एक लालीपॉप राम जी को थमाया। प्रभु एक और फायदा आपका हो जाएगा, अगर पांव धोवा लो तो पार तो कर ही दूंगा, जो हमारा बनता है ना उतराई फ्री फ्री। वो जानता था इनके पास कुछ है नहीं, खाली डिब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, कहीं कहीं खाली एक पीली पीली धोती पहना के भेजी इनको, है इनके पास पैसा है नहीं, हमारा तो पैसा बनता है, वो लालीपॉप दे रहा है, अगर पांव धोवा लो तो उतराई फ्री। और केवट राम जी से बोला, बड़ा बढ़िया छंद है, जरा सब लोग गाओ। पद कमल धोई चढ़ाई नाव ननाथ उतराई चहो, पद कमल धोई चढ़ाई नाव ननाथ उतराई चहो, मोहि राम राउरी आन दशरथ शपथ सब साची कहो, मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। अगर पांव धोवा लो, पद कमल धोए, फिर चढ़ाए नाव और पार भी कर दू, गंगा जी के पार कर दूंगा, लेकिन ननाथ उतराई चाहो फिर भी पार कर दू, उतराई नहीं लूंगा आपसे। आपको यकीन ना हो तो मैं तुम्हारी कसम राम राउर आन और दशरथ शपथ, मैं तुम्हारी कसम खा रहा हूं और तुम्हारे पापक कसम खा रहा हूं, एक पैसा नहीं लूंगा आपसे। और ज्यों दशरथ जी की शपथ खाई केवट ने, लक्ष्मण एकदम बम हो गए हैं, औकात के बाहर बोल रहा है मूर्ख, जानता है हम लोग कौन है, और धनुष उतारा कंधे से अपने, बाण चढ़ाया, तुझको भी जान से मारूंगा, अपने औकात के बाहर बोल रहा है, मेरे बापक कसम खा रहा है। अरे कसम खाना अपने बापक खा। कई लोग दूसरे खरम कसम पट दिखाते हैं, तुम्हारी कसम है, तुम्हारी कसम है, अरे अपनी कसम खाओ, मरो तो तुम मरो, हम कई लोग कहते हैं तुम्हारी कसम है, तुम्हारे सिर पर हाथ रहे, तुम्हारी कसम खाते हैं, गलत बात, किसी कसम को खाओ, झूठे बोल रहे हो, मर जाए बेचारा, तो कसम खाओ तो अपनी खाओ, जो झूठ बोले वो मरे, दूसरा कहे मरे। तो उतरा ही नहीं लूंगा, तुम्हारी कसम खा रहा हूं, तुम्हारे बाप की कसम खा रहा हूं, दूसरा जी की। लक्ष्मण जी धनुष तान दिए, तुझको भी जान से मारूंगा मैं, जानता है हम लोग कौन है। जो धनुष ताना उसकी छाती की ओर, डरा नहीं, उसको लगा डर जाएगा भी है, कप जाएगा धनुष देखते ही मेरा। लक्ष्मण जब बोलते थे तो डगमगान दिग्गज सब दिग्गज डोले, लिखा है धरती पूरी कांप जाती, लक्ष्मण बोले और धरती न डोले। पढ़िए बालकांड में परशुराम संवाद में, जो लक्ष्मण कुपित हुए थे तो सब दसों दिशाओं के दिग्बाल सब हिल गए थे, क्या भूकंप आएगा, अब भूकंप आएगा, वो भी आएगा 8.9 का, हाँ रिक्टर पर, वो बाण ताने खड़ा है लाल आंखें किए लक्ष्मण जी, और केवट पर कोई असर नहीं पड़ रहा। वो जब देखा बाण तान रहे तो उसने अपनी कमीज के बटन सब तो डाले, ऐसे पकड़ा धर तोड़ दिया पूरा बटन, छाती खोल के पूरी, और बोला जल्दी मारो जल्दी मारो। बरु तीर मारही लख
लखनु पै जब लगिन पाय पखारी हूं तब लगिन तुलसी दास नाथ कृपाल पार बरु तीर मारहिं लखनु पै जब लगिन पाय पखार तब लगिन तुलसी दास नाथ कृपाल पार। लक्ष्मण जी भले मुझको बाण मार दें मेरी छाती में भले मेरी जान ले लें लेकिन जब तक पाय नहीं पखारूंगा आपके पार नहीं उतारूंगा। मेरा भी संकल्प मैं भी कुछ हूं हा? मेरी भी जिद है और जानते हो भैया लक्ष्मण भैया आप मुझको मार दो मेरा तो सब चकाचक हो जाएगा। का क्या मतलब कर राम के लिए मरना और राम के छोटे भाई के हाथों मरना और सुरसर तीर मरना है ना और राम का दर्शन करते करते मरना और जब मरूंगा तो बच्चे हमारे भी छोटे छोटे सब हैं बच्चे भी मेरे सब सकल सुत बारे बारे मेरे बच्चे भी सब बारे माने होता है मुंडन के पहले वाले मैंने सब दो साल ढाई साल एक साल ऐसे सब है कोई छह महीने का है कोई भी है? एक महीने का है। तो जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा मरना धन हो जाएगा। पहली बात यह है राम के लिए राम के सामने गंगा जी के तट पर राम के भाई के हाथों और दूसरी बात मेरी बीवी रोती भी आएगी जब मैं मरूंगा तो फिर कहेगी स्वामी नाथ राम जी अब लकड़ी कौन काटे बच्चे मेरे सब छोटे हैं चिता कौन बनाए इनकी मुखाग्नि कौन करे मुखाग्नि की भी नियम होता है कि बच्चा थोड़ा बड़ा होना चाहिए कैसे कर पाएगा तो आपको लकड़ी काटनी पड़ेगी मेरे लिए दोनों भाइयों को कुल्हाड़ी देगी लकड़ी काटो लकड़ी कटवाएगी फिर चिता बनाओ मेरे पति की फिर इसकी मुखाग्नि करो तो आप हमको फूकोगे अपने हाथों से फिर बोलेगी दसवां कौन करेगा तुम्हारा दसवां आएगा मेरे बच्चे छोटे दसवां कौन करेगा अब दसवां बात दोनों में तेरही पड़ेगी तेरही तो बोलेगी तेरही कौन करेगा तेरही कह के तब छुट्टी पाओगे यहां से तुम मैंने मैं तो मरते ही मुक्त हो जाऊंगा मरते ही गया काम से सीधे परम धाम लेकिन तुम दोनों भैया कुल्हाड़ी उठाओगे लकड़ी काटोगे फिर दसवां करोगे तेरही करोगे फिर चौदहवें दिन हज जा पाओगे तुम फंसोगे बहुत बुरी तरीके से। लक्ष्मण धीरे से धनुष पर से बाण उतारे धीरे से बिल्कुल तान चुके थे उतारे धीरे से और चुपके धर लिए तरकस में और मन ही मन प्रणाम किया भैया तुम नहीं मारने वाले हो यार तुम तो मरते ही मुक्ति पा जाओगे हम दोनों भैया तेरे ही तक ही फंस जाएंगे। लेकिन इस कथा में एक बात समझने वाली है इस पूरे छंद में चालान के छंद में केवट क्या कह रहा है कि पांव धो लूं पांव धोना माने भगवान की सेवा भगवान की भक्ति और बदले में उसके अंदर न लोभ है न भय है भक्ति करना चाहता है पर प्रभु की ओर भक्ति करना चाहता है लेकिन उसके बदले में भक्ति के पीछे ना उसके अंदर भय है बर तीर मार है लखन और ना उसको लोभ है ननाथ उतराई चाहो नहीं चाहिए बस खाली आपकी सेवा करना है। अब जरा केवट की भक्ति की तुलना करो अपनी भक्ति से तुलना कर खाली सुनो मत केवट के बगल में खड़े होकर देखो इसकी तौल में कहीं पर आप खड़े हो पा रहे हो इसकी तुलना में कहीं पर फिट हो पा रहे हो कहीं पर नहीं हो कहीं पर नहीं हम लोग हैं इसके बगल में कहीं पर नहीं। हमारी आपकी भक्ति 99% या तो भयवश हो रही है या तो लोभवश हो रही है। घूस लिया 10,000 रुपया और घूस लेके आए और शाम को लड्डू लेके खड़े लड्डू लिए लड्डू प्रेम से लाए लड्डू डर में लाए हो घूस खाए हैं तो हमारा कैसे हजम होगा लड्डू लिए खड़े कह लोग सोने के छत्तर हो सोने के चैन हो सोने के गदा सोने तलवार कौन देता है कौन देता है। या तो हमारी भक्ति भयवश हो रही है और या तो हमारी भक्ति लोभवश हो रही है कि हे शनि देव महाराज 5 लाख की लाठी लगवा दो 5 लाख का फायदा कराए दो तो 50 ग्राम करवा तेल आपको हम चढ़ाएंगे। हे शनि देव 5 लाख का फायदा कराओ 50 ग्राम तेल तुम्हारा पक्का करवा तेल। तो शनिदेव कहते हैं इतने बेवकूफ है कहा तुमको दवाए 5 लाख और तुम दे 50 ग्राम करवा तेल अरे मेरे पास जो 5 लाख होते शनिदेव कहते हैं जो मेरे पास 5 लाख होते तो बनाता स्विमिंग पूल
वहम भरता करुआ तेल, वहम बुक बुक नहाता दिन भर रात भर। तुझको 5 लाख दे तो तू 50 ग्राम करो तेल हमको देखा है, मतलब नादान है क्या? हमारा आपका लगभग यही सब चल रहा है, यही सब चल रहा है। मैया के द्वारे एक अंधा पुकारे, अंधे को नैना देव मुरी जगदम्बे मैया, बांझन को बालक देव मुरी जगदम्बे मैया, और निर्धन को झोली भर देव। सब सब प्रोग्राम चला, सब अंधे नैना देव, बांझन बालक देव, उनका यू देव, उनका वो देव, बस देव देव खाली चल रहा है, देव देव। इसको भक्ति कहेंगे? लोभ है खाली भक्ति पीछे, लोभ। भक्ति में लोभ और भय दोनों भक्ति के कलंक है। भक्ति निष्काम होनी चाहिए और भक्ति निर्भीक होनी चाहिए। निर्भीक, जो डरता है वो प्यार कर सकता है, जो डरते हैं वो प्यार करने वाले डरते नहीं, और जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। प्यार डरपोकों की, डरपोक की डगर नहीं है प्यार, तो वीरों की डगर है, वीरों की डगर है। जहां यहां यहां हां गोपियों से पूछो, यहां सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहां सिर दे के होते हैं सौ, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, ओ हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सिर दे के होते सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधव, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधव, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। कबीर ने कहा था, कबीरा खड़ा बाजार में लिए आए लुआठी, लुआठी हाथ। लाइन नंबर 2 पढ़िए, जो घर फूंके अपना वो चले हमारे साथ, घर फूंक के तमाशा देखने की इसकी हिम्मत हो वो इस फील्ड का पात्र है। जिसको संसार में किसी चीज का लोभ न हो, और जिसको संसार में किसी चीज का, यहां तक कि मौत का भी भय न हो, मौत का भी,
वो भक्ति के फील्ड में आने का पाए। बहुत कठिन डगर है, आसान डगर नहीं है। वो आपको लगता है इमा का है, नहाए लो, धूपबत्ती जलाए दो, बस घंटी बजाए दो, भक्ति हो गए। बहुत ये पूजा है यार, भक्ति थोड़ा है, पूजा है। वो नहाए के धूपबत्ती और धूप धूप पत्ती, धूप बत्ती और धूप पत्ती है। बहुत ईजी है, 5 रुपल्ली पूजा खाली, 5 रुपल्ली पूजा है। पूजा माने 10-12 रुपए खाली खर्चा, उसमें 15-20 रुपए खर्चा है मिलाकर पूजा में। भक्ति 10-15 रुपए की नहीं है, भक्ति तो अनमोल वस्तु का नाम है। प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, कबीरदास जी कहते हैं, प्रेम न खेतों उपजे और प्रेम न हाट बिकाए, राजा हो या प्रजा हो, शीश दे ले जाए। जो सिर काट के दे सकता है, वो जो मौत का मुकाबला कर सकता है, वो भक्ति का पात्र होता है। आसान काम नहीं, बच्चों खेल रहे हैं। एक संत बोल रहे थे, आज के 600 साल पहले एक महिला ने भक्ति किया था, 600 साल पहले मीराबाई ने, जहर का प्याला राणा ने भेजा, उसे देख मीरा हंसी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। कितने कितने दुख लाखों सहे, मुख से गोविंद कहे। गाऊं क्या, गाना पड़ेगा। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, दुख लाखों मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मेरा रानी दीवानी कहने मानो अमृत पिया राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया मीरा सागर में सरिता समाने लगी, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, मेरा प्रेमी तुमको मनाने लगी, ओ तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन। तो 600 साल पहले एक वीरांगना ने भक्ति किया था, जो जहर का प्याला पी के भी नाचती रही थी, ये भक्ति की पथ की शर्त है। जो भयभीत जो डरपोक लोग, डरपोक में जानते क्या होता है, डरपोक माने जो डर के मारे, डरपोक, ये डरपोकों की डगर नहीं है, ये वीरों की डगर है। चाह नहीं मैं सुरबाला के पुष्प की अभिलाषा पढ़ी हो, क्या कहता, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इतराऊं,
चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को लल जाऊं, और चाह नहीं आगे कुछ और है। हाँ, चाह उसकी क्या है, मुझे तोड़ लेना बन माली, उस पथ पर देना तो फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। फूल भी चाहता है कि मैं वीरों की डगर पर पड़ूं, जिससे वीरों के शरण मुझ पे पड़े। भक्ति कायरों की डगर नहीं है, भक्ति वीरों की डगर है, जो मौत का सामना करने को तैयार खड़ा है। बरु तीर मारे लखन, और हमको आपसे तो कुछ चाहिए नहीं, हमारा जो हक है वो भी नहीं चाहिए, इतना निर्लोभी इतना निर्भय भक्त हो सकता है। अब जब केवट की इस अटपटी वाणी को सुना तो गोस्वामी जी अगले दोहे में कहते हैं, दोहा नंबर 100, हृदयकांड का दोहा नंबर 100 है, बड़ा प्यारा दोहा है, सब लोग सोरठा, सॉरी सोरठा है। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। अब केवट की अटपटी वाणी, नहीं नाव लाऊंगा नहीं पार करूंगा, मांगी नाव न केवट आना, नहीं नहीं कर रहा था, और भगवान ने उसमें भी उसके प्रेम को देख लिया। लक्ष्मण ने पूछा, सरकार हंसे क्यों, हंसे क्यों, भैसे करुणा है, हंसे क्यों आप, तो कहा इसके प्रेम को देख के हंसा हूं मैं, केवट का प्यार देखा मैं हंस पड़ा। तो कहा इसमें कौन सा प्रेम, इसका नहीं नहीं कर रहा है, साफ साफ नाव नहीं लाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, सब में नहीं नहीं कर रहा है, तुम इसके नहीं में प्रेम देख रहे हो। तो भगवान ने कहा, लक्ष्मण भैया कभी कभी नहीं में प्रेम होता है, क्या सबूत है कोई आपके पास, इसके अलावा कहां है, ये बताओ। जब मैं वनवास आ रहा था और मैंने तुमसे कहा था घर में रहो सबकी सेवा करो, तुमने क्या बोला था, नहीं नहीं मैं किसी को नहीं जानता हूं आपके अलावा, उस नहीं में प्रेम नहीं था क्या, आपकी नहीं में प्यार नहीं था आपका। मैंने इनसे भी कहा था, मैडम मत जाओ बड़ा कष्ट है वहां, बड़ा कष्ट है। उन्होंने भी कहा था, नहीं स्वामी नहीं, मैं मर जाऊंगी आपके बिना रह नहीं पाऊंगी। इनकी नहीं में क्या था, जब सीता की नहीं में प्यार हो सकता है, जब लखन की नहीं में प्यार हो सकता है, तो केवट की नहीं में प्यार क्यों नहीं है। अगर केवट नहीं नहीं कर रहा है तो इसके पीछे इसका क्या भाव है, क्या प्रेम ही तो है। तो सुन केवट के बैन, सुनने में अटपटे लेकिन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा। राम जी बिहसे माने क्या होता है, बिहसे माने आए आहा, वो तो मुस्काना अलग शब्द होता है, बिहसे माने होता है जरा जरा ठहाका लगा के, हाँ जैसे हंसते हैं भगत जी बैठते हैं, हाँ जैसे हंसते हैं। मुस्काना एक शब्द है, बिहसना दूसरा शब्द होता है, माने जैसे हंसता है वो गब्बर सिंह सोले में। बताएंगे नहीं हंस करके, हम अकेले कहते हैं बताओ कैसे हंसा था, बताएंगे नहीं। भाई बहन भैसे माने होता है जरा खुल के हंसना, ठाका मारना। और ध्यान देना, राम हंसते हुए ही जमते हैं, अच्छे लगते हैं, राम उदास जमते ही नहीं। राम की परिभाषा में उदासी नहीं है, राम माने अंत क्या होता है, राम माने एक अर्थ में वाल्मीकि के हिसाब से धर्म, राम माने धर्म, और धर्म हमेशा हंसता हुआ अच्छा लगता है। बहुत उदास धर्म, बड़ा गंभीर धर्म, बड़ा सिकुड़ा हुआ धर्म किसी काम का नहीं होता। मैंने कहीं पढ़ा था कि बुद्ध पुरुष जो होते हैं धार्मिक पुरुष, वो हमेशा मुस्काते रहते हैं, और जो बुद्धू होते हैं, बुद्ध हंसता रहता है और बुद्धू सिकुड़ा रहता है। बुद्धू आपको समाज में जो स्त्री या पुरुष, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, जो बड़ा गंभीर दिखाई पड़े, बड़ा गंभीर, कभू हंसते ना हो, कभू जानना ये अंदर से बुद्धू है, इंटरनल बुद्धू। बुद्धू रूखा सूखा रहता है, बुद्ध तो हंसता है, बुद्ध तो हंसता रहता। बुद्ध की मूर्ति बड़ी गंभीर थी पहले, भगवान बुद्ध की मूर्ति बड़ी गंभीर बुद्ध की मूर्ति थी, तो चाइना के लोगों ने उस मूर्ति को खर्च कर दिया। चाइना के बुद्धिस्टों ने कहा ये बुद्ध हमको जम नहीं रहा, ये गंभीर बुद्ध हमको नहीं चाहिए, बुद्धू लगता है देखने में। तो फिर
तो चाइना के बुद्धिस्टों ने एक नया बुद्धा इजाद किया, उसका नाम रखा लाफिंग बुद्धा। जरा बुद्ध हंसता हुआ होना चाहिए, बुद्ध माने जरा जागा हुआ आदमी, धार्मिक पुरुष, जरा मुस्काता हुआ। कई लोग इतना गंभीर है होते नहीं है, समाज में दिखाने की चेष्टा करते हैं कि मैं बड़ा बड़ा धीर गंभीर हूं समुद्र की तरह, कभी हंसते नहीं, कभी हंसते। कई कई चेहरे में ऐसे देखता हूं समाज में, मनहूस चेहरे, लगता है 100 साल पहले मुस्कुराए थे, तब तक आज तक हंसे नहीं। हाँ, 100 साल पहले हंसे थे, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। कभी कभी किसी किसी को तो बोलता है कैमरा वाला, स्माइल प्लीज, जिसको हंसना ना आए उसको जीना मना है। हंसना ही तो जीवन है यार, हंसना ही जीवन। वाह बेटा जी, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो हंसते गाते यहाँ से गुजर, हंसते गाते यहाँ से गुजर। दुनिया की तू परवाह न कर, दुनिया की तू परवाह न कर, पीछे रह जाएगा ये जमाना। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है, मौत आनी है आएगी एक दिन, मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, जान जान ऐसी बातों से क्या घबराना। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है, यहाँ कल राम प्रत्यक्ष धर्म है, रामो ही विग्रहवान धर्म, और भैसे करुणाएं धर्म, हमेशा मुस्कुराता हुआ ही जनता है। राम जी जब कस के हंसे, और यहां पे एक बड़ी प्यारी बात लिखी है, हंसे कैसे, चितई जानकी लखन तन, लक्ष्मण और सीता की ओर देख के राम जी हंसे। लक्ष्मण जानकी की ओर देख के हंसे हैं, इसके पीछे हमारे संतों ने कई भाव खोजे, कई भाव लगाए कि राम जी को हंसना था तो ऐसे हंस लेते। चितई जानकी लखन तन, लक्ष्मण सीता की ओर देख के राम जी हंसे क्यों, इसके पीछे मुझे 2-3 कारण संतों ने बताए हैं, आप जरा ध्यान देकर सुन लो। लक्ष्मण सीता की ओर देख के ही राम जी क्यों हंसे, ऐसे हंसते आसमानी फायर करते हा? तो ये पहला कारण, ध्यान देकर सुनना। भगवान मानो कहना चाहते हैं उनकी ओर देख करके दोनों की ओर, कि मुझ तक आने के लिए तुम दोनों का माध्यम चाहिए होता है। देखो सीता का अर्थ है भक्ति, और लक्ष्मण का अर्थ है एक अर्थ में आचार्य, आचार जीवाचार्य हो, और भगवान तक पहुंचने के लिए दोनों माध्यम है ये, दोनों माध्यम। बिना आचार्य के और बिना भक्ति के ईश्वर नहीं मिलता। लेकिन भगवान उनकी ओर देख के मुस्कुरा रहे हैं कि इसकी जरा इसकी वो देखो, हिमाकत, हिमाकत कि शास्त्र कहता है कि बिना आचार्य के बिना भक्ति के राम नहीं मिलते किसी को, लेकिन ये तुम दोनों को बाईपास कर रहा है ना, इसका भक्ति से कोई सरोकार है, आपको कुछ पूछ नहीं रहा है, और ना आचार्य जी को प्रणाम कर रहा है। अब भक्ति आचार्य दोनों को बाईपास करके डायरेक्ट राम को पाना चाहता है, तो आप दोनों कहां जाओगे भाई साहब, घास खोदो, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, सारा संसार तुम दोनों के थ्रू मेरे पास आता है, लेकिन ये तो तुमको बाईपास कर रहा है, और तुम्हारा तो रोजगार बंद हो रहा है। तो चितय जान की लखन तन, एक कारण तो यह है, सीता भक्ति है, लक्ष्मण आचार्य है, वो दोनों को अवॉइड करके सीधे राम की सेवा चाहता है। वही पद पदम पखारन कहो, एक कारण और सुन लो, ध्यान देके सुनना।
ये बात उस समय की है, ये किसी रामायण में पढ़ा था कि लक्ष्मण जानकी की ओर देखकर कहा मुस्कुराया, ये केवट जो है ना पहले कछुआ था क्षीर सागर में, यही केवट। हालांकि मैं इन बातों में बहुत विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन अब चूंकि प्रसंग है तो मैं सुना दूं, हमारा ये पूर्व जन्म वाला विश्वास नहीं कि पूर्व में क्या था और ये क्या था, इन सब बातों में विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन लिखा है तो सुन लो, कछुआ था ये लिखा है कथाओं में, और ये भगवान के चरण छूने आना चाहता था। भगवान शेषनाग पे सोते हैं क्षीरसागर में, लक्ष्मी जी पांव दबाती हैं, शेषनाग जी साया करते हैं ऊपर से, ये कछुआ निकला बाहर और पहले पैरों की ओर गया पांव छूने के लिए, और वहां बैठी थी लक्ष्मी जी मैंने सीता मैया, और जो देखी कछुआ लपक रहा है पांव की ओर तो वो डांट दी भग भग, अब वो भाग गया बेचारा। और जब सिरहाने आए मुड़वारी की ओर तो वहां शेषनाग लक्ष्मण जी गेट आउट, पैरों की ओर जाए सीता मैया और इधर आए तो लक्ष्मण जी भगा दें उसको। तो उसने कहा सरकार आप इन दोनों की बपोती हो क्या, यही दोनों आपकी सेवा कर सकते हैं क्या, हमको अधिकार नहीं है क्या सेवा करने का, आपकी परिभाषा लिखी है। राम की परिभाषा आप जानते क्या है, पुनि मन बचन करम रघुनायक, पुनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंधु सब लायक, चरण कमल बंधु सब लायक। राम के चरण क्या है, सब लायक, सब लायक माने सबके लिए, फॉर एवरीबॉडी। खाली सीता जी पांव दबाए, लक्ष्मण जी खाली उनकी सेवा करें तो फिर ये सब लायक कैसे कहलाएंगे राम जी। तो ये प्रभु हमको भगा दे रहे हैं, हम बार बार कोशिश कर रहे हैं आपके पहुंच होने की, ये सीता जी और ये अतिक्रमण किए बैठे हैं, कब्जा किए बैठे लक्ष्मण जी। तो भगवान ने कहा भाई भाई साहब केवट भैया, वो कछुआ भैया, इस बार तो हम अब क्या करें, आराम कर रहे हैं, ये हमारे पांव दबा रहे हैं, छाया किए बैठे हैं, तो इस बार तो मैं कुछ इनको कहूंगा नहीं, तुम जाओ आज आराम करो, इंतजार करो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये दोनों खड़े खड़े देखेंगे, खाली बस खड़े खड़े अपना माथा ठोकेंगे, और तुम इन दोनों के सामने मेरे दोनों चरणों की सेवा करोगे, ये दोनों खड़े खड़े देखेंगे खाली। वही शेष लक्ष्मण बने, वही लक्ष्मी सीता बनी, आज भगवान ने उस कछुआ वो बना केवट, भगवान ने उसको मौका दे दिया आज कि ये दोनों खड़े खड़े अपना माथा ठोकेंगे, हाँ कि मेरा अधिकार छिन रहा है, और तू इन दोनों के सामने मेरे दोनों पांव पखारेगा। तो चितय जानकी लखन तन क्यों देखे, एक दिन था तुम इसको पीड़ित किए थे, मेरी सेवा से वंचित किए थे, आज तुम दोनों देखो ये हमारी सेवा करेगा। तो भैसे करुणा इन चितय जानकी लखन तन, एक और कारण सुना दो, आखिरी कारण फिर आगे बढ़ाता हूं, अब कथा बहुत लंबी है केवट भैया की, इसमें एक मैंने कहा था एक सभा पूरी कंप्लीट चाहिए इसके लिए, चार घंटे की, तब केवट की कथा पूरी हो पाती, जो कि कुछ फालतू बात नहीं बोल रहा हूं, खाली कथन चल रहा हूं। चितय जानकी लखन तन, इसके पीछे एक छोटी सी घटना और मैं आपको सुनाऊं, उसमें कथा है ये, जब राम जी की शादी होकर आई थी जानकी जी के साथ, तो शादी के पहले तक नियम था लक्ष्मण जी राम के पांव दबाते थे रोज बचपन से। जब सीता मैया आई, लक्ष्मण जी अपने टाइम से पहुंच गए थे पांव दबाने, तो सीता मैया जब खाना खा के आई रूम में तो कहा भैया अब आज से तुम रिटायरमेंट, आपकी पेंशन है, पेंशन लो, और आज से ये हमारा हक बनता है, मैं इनकी पत्नी हूं, ये पांव हमारे हैं, अब आज से सेवा हम करेंगे। लक्ष्मण तो बिगड़ गए, वाह भाई साहब वाह भाभी जी, घर पे हो कि बाहर गए हो, बचपन से लेके जब से पैदा भए रोज हम सेवा करते आ रहे हैं, और तुम आई आज हो, और हमारा ये बचपन का अधिकार छीन आई हो, माता जी अपनी उसमें रहो किसमें हाँ अपनी हद में रहो, ये पांव हमारे हैं, बचपन से लेकर रोज इनकी सेवा हमने किया, आजू छीन नहीं हो, प्लीज साइलेंट हो जाओ। लक्ष्मण जब अपने उसमें आ गए तो सीता मैया भी अपने उसमें आ गए, उनका अधिकार है, पति के चरण पत्नी के होते हैं, ठीक है जब तक नहीं थी तुम दबा लिए, अब भैया आज से हमारा हक है, यू गेट आउट। अब जब मैया ने कहा गेट आउट, निकलो यहां से मेरा हक, तो लक्ष्मण भैया बहुत दुखी हुए हैं, और राम जी से कहा भैया कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, भाई साहब चुप क्यों,
बचपन तुम्हारे पास, हम तब आए आई आजू है, आजू हमको गेट आउट कर रही, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अब राम जी बेचारे धर्म संकट में के पक्ष में बोले, अब भाई पक्ष ले तो बीबी नाराज, चाय मिलनी बंद हो जाएगी सब वजह से, और जो बीबी पक्ष ले तो भाई खफा। राम ने कहा, लक्ष्मण मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस मामले में, ये केस हमारे बस का नहीं। अब ऐसा करो, तुम देवर भाभी अपने हिसाब से इसको डील कर लो, इस मामले को हम नहीं जानते। सीता माने का डील करना क्या है, मैं कह दिया गेट आउट, निकलो यहां से, मेरा हक है, बहुत कर लिए। अब जब अधिकार रूप में आज्ञा रूप में बोल दी बाहर जाओ, लक्ष्मण ने कहा, सरकार जा तो रहा हूं लेकिन मेरा जीवन है ये, मेरा जीवन छिन रहा है आज। लक्ष्मण ने उसी दिन से भोजन पानी सब त्याग दिया, अब क्या जीना, अब क्या जिंदगी मेरी, जिसके लिए जिंदा था तो छिन गए, अनशन कर दी लक्ष्मण जी, ना भोजन ना पानी कुछ नहीं ले। हम लोग नहीं खाना खाते हैं तो वो खाते हैं, कहना कह कलुआ कहेगा, अरे बोल बोल, टिकूर कहा, टिकूर है नहीं रोटी खाते, टिकूर खाते हैं एक झुआ। लक्ष्मण जी कुछ नहीं खाया, ना पानी ना फलहार ना टिकूर, पूरा आमरण अनशन पे आ गए। अब जब खाना पानी छोड़ दिया तो लक्ष्मण जी दुबले होने शुरू हो गए, उनकी हड्डियां गाल सब बाहर आ गए, सब हड्डियां चमक पड़ी। राम जी ने पूछा, 7 दिन के बाद भैया क्या हो रहा है, तुम इतने दुबले क्यों हो रहे हो, शुगर बढ़ाया क्या तुम्हारा? का शुगर तो नहीं बढ़ाया सरकार। का फिर ये तुम्हारी सब हड्डी हड्डी गाल उल क्यों सब गड्ढे में जा रहे हैं? कहा, सरकार जानते हो आज 7 दिन हो गए मैंने पानी तक नहीं पिया है, भोजन तो छोड़ो पानी नहीं पिया मैंने, मैं बिल्कुल उस पर उतारू हूं अब आत्महत्या पर, क्या जीना मेरा, पांव छिन गए क्या जीना। अब राम जी को शंका हुई, तो मर जाएगा ऐसे तो, और भाई मर गया तो मैं बीबी को क्या करूंगा, और राम जी के सामने समस्या अभी थी, मैं करूं तो क्या करूं। लक्ष्मण ने कहा, अगर आपके चरणों की सेवा नहीं मिली मुझको तो मैं बस गया, बस 2 दिन और देख लो हमको, फिर हम जाने वाले मणिकर्णिका। राम ने कहा, भैया अगर तुझे कुछ हो गया तो हम भी निकल लेंगे फौरन, हाँ फिर हम जी नहीं पाएंगे। कहा, अगर जिंदा चाहते हो तो बस अपने पांव दिलाओ, हमको पांव चाहिए। राम ने कहा, क्या करूं यार, वो तो समस्या है, बीबी वाली भी समस्या है। राम ने कहा, एक उपाय है लक्ष्मण भैया। क्या? कहा, परसों होली है, परसों फागुन था, परसों होली है, और हमारे खानदान में एक परंपरा है हमारे रघुवंश में कि देवर लोग भाभी के साथ होली खेलते हैं, और शाम को भाभी नहाती है और नहा के आंगन में बैठती है, और देवर लोग कुछ उपहार उससे मांगते हैं, गिफ्ट मांगते हैं होली की गिफ्ट, और यहां नियम है कि मनमानी गिफ्ट मांगते हैं लोग, और भाभी की मजबूरी होती है इस खानदान में कि देवर जो मांग ले वही देना होता है। तो परसों होली खेलना, और बैठेगी सीता आंगन में, और शाम को जब वरदान का नंबर आए तो भरत जी अपने हिसाब से मांगेंगे, तो शत्रुघ्न जी अपना मांगेंगे, लेकिन आपका नंबर आए तो मांगना मुझको और राम जी के चरणों की सेवा चाहिए बस, तो मैं भी बच जाऊंगा और तुम पा जाओगे। लक्ष्मण ने कहा, दादा दांव तो पक्का है लेकिन होली परसों क्यों है, आज ही हो होली, होली आज ही हो, हमको चैन नहीं पड़ रहा है। राम ने कहा, आज कैसे, पूर्णमासी परसों है तो आज कैसे हो गया, तो 13 से भी। खैर होली आए, होली आई, फिर तीनों भाइयों ने चारों भाइयों ने खूब बढ़िया होली खेली, और संत गाते हैं जरकाल होली खेलो, एक मिनट। होली खेलत रघुवीरा अवध में, होली खेलत रघुवीर, होली खेलत रघुवीरा अवध में, होली खेलत रघुवीरा, होली खेलत रघुवीरा अवध में, होली खेलत रघुवीरा। राम जी के हाथ कनक पिचकारी, राम जी के हाथ कनक पिचकारी। ऐसे होली होती है क्या, जरा दोनों हाथों की ताली बजाते हुए होली खेलो यार राम जी के साथ। राम जी के हाथ कनक पिचकारी, राम जी के हाथ कनक पिचकारी, लक्ष्मण हाथ अबीरा अवध में, होली खेलत रघुवीरा, लक्ष्मण हाथ अबीरा अवध में, होली खेलत रघुवीरा।
होली खेलत रघुबीरा अवध में, होली खेलत रघुबीरा, होली खेलत रघुबीरा अवध में, होली खेलत रघुबीरा। राम जी के हाथ ढोलक मन सोहे, राम जी के हाथ ढोलक मन सोहे, राम जी के हाथ ढोलक मन सोहे, राम जी के हाथ ढोलक मन सोहे। लक्ष्मण हाथ मंजीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, लक्ष्मण हाथ मंजीरा अवध में, होली खेलत रघुबीरा, होली खेलत रघुबीरा अवध में, होली खेलत रघुबीरा, होली खेलत रघु, होली है, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। भरत जी ने कहा, मैया मेरा तो बस चिर परिचित एक वरदान है, बस धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, मुझको राम जी के चरणों का प्रेम चाहिए, बस सेवा नहीं मांगे, प्रेम मांगे, प्रेम चाहिए। भरत प्रेमी है, लक्ष्मण सेवक है। भरत प्रेमी हो, प्रेम मांग रहा है, लक्ष्मण प्रेमी नहीं हो, सेवक। शत्रुघ्न जी आए, भाभी जी हमको तो बस भरत जी के चरणों की सेवा चाहिए। लक्ष्मण जी लास्ट में आते हैं, सबसे इनका काम अंतिम होता है, बड़ा खतरनाक होता है। लक्ष्मण भैया आए, सीता मैया ने कहा, देवर जी क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, मांगो। कहा, भाभी मैया हमको राम जी के दोनों पैरों की सेवा चाहिए, फ्रॉम टुडे, आज से ही। अब इतना अब नहीं कर नहीं सकती हैं, वो परंपरा अलग वंश की जा रही है, अब दे भी नहीं सकती हैं। अब सुनते ही नहा नन्ना जानकी में पटत गिरी, बेहोश हो गई, लुढ़क गई बेहोश चौकी पर। आप लोग पूछे, लक्ष्मण तूने क्या बोला, कान में बेहोश कैसे हो गई है, कानम क्या बोला तू। लक्ष्मण भागे और पूरा घर दौड़ाया उनको, कोई झाड़ू लिए, कोई लाठी लिए, तूने क्या बोला कान में, जानकी जी बेहोश हो गई। भागे भागे राम भैया पर, राम भैया आज हम पीटे गए, आज हमारी हड्डी तोड़ी गई, क्या क्या, पूरा घर हमको ढूंढ रहा है, कोई झाड़ू थामे है, कोई चमचा थामे, कोई करतूत थामे, आज हमारी तोड़ाई भाई। कहा हुआ क्या, कहा तुमने जो कहा था वही हुआ, हमने मांग लिया जानकी मैया से कि हमरे को दोनों पांव चाहिए, वो गिरी बेहोश हो गए, फनी है बेहोश। राम ने कहा, तूने उनका सब छीन लिया इसलिए बेहोश हो गई हो, ऐसा करो जाओ और कह दो भाभी जी 50-50 कर लेते हैं, दोनों नहीं पांव बांट लेते हम लोग, दहना पांव मैं दबाऊंगा आज से और बायां पांव तुम दबाना, एक पांव पा जाएगी तभी होश में आ जाएगी, तुमने दोनों छीन लिया उसके ना, जाओ बांट लो, आधे कर लो। लक्ष्मण जी आए, कहा भैया मारो ना, तो भैया उनकी दवाई करते हैं। कहा सीता मैया ऐसा करते हैं, तुम खुश हो जाओ, हम लोग 50-50 कर लेते हैं, दहना पाओ मेरा हाथ से, बाओ पाओ तुम्हारा, आराम से बांटो, बांट के दबाओ। ये बांट के दबाने में बड़ा खतरा होता है भाई साहब, एक गुरु जी थे ना, उनके दो चेला थे, गोलू भोलू, फिर तो लड़ाई भाई चेलो में, दोनों पाँव दबाते थे बैठ करके, तो चेलो ने लड़ाई किया तो पाँव बांट लिया, दहना पाँव गोलू अब बायां पांव भोलू। अब बाई चांस भोलू कहूं चले जाए बाएं पांव वाले, तो गोलू दहने दबावा खाली, बस बावा छुए ना करें, तो गुरु जी बोले यार भोलू भैया बाया पांव दर्द कर रहा है, दबाओ ना, चुप, ये भोलू का है, हम कैसे दबाएंगे, भोलू का पांव। अब जब कहूं गोलू गायब हो जाए तो भोलू खाली बावा दबावा, खाली बावा चापे, दहना छुए ना करें। एक दिन ऐसा आया मौका कि गोलू गया था गांव, उसके मुंडन था, भोलू बायां पांव चाप रहे थे, और गुरु जी थोड़ा नींद में थे तो हल्की नींद आ गई, तो उन्होंने करवट ले लिया, और करवट लिया तो दहना पांव गोलू वाला पांव ऐसे भोलू वाले पांव चढ़ गया, ऐसे करवट ले तो दहना पांव बायां पांव गया। अब भोलू थे कुछ सन की, उठाए लाठी एक, गोलू के पांव कितनी हिम्मत की, हमारे पांव चढ़ गया है, और लाठी उठा के गुरु बाबा के दहने पर मारे भट्ट देखे, बुढ़ो दहनी टांग गई है, लाद के बुढ़ो गए ट्रामा सेंटर में, प्लास्टर चढ़ा उनके, और बुढ़ो आए तो टांग उठाए पड़े ऐसे दहने पांव,
संयोग के बाद गोलू आएंगे वे दिन, गोलू आएंगे, गुरु जी हमारे पांव क्या हुआ, तो हमारा पांव इसको क्या हो गया, का ये भोलुआ तो डर बेचारे गुरु जी दोनों पांव थोड़े पर। सीता मैया ने कहा ठीक है एक एक पांव मिल गया, अब आज से बायां पांव हमारा देना तुम्हारा, पट्टा बेनामा हो गया। लेकिन ये थर्ड पर्सन थर्ड पार्टी खड़ी हो गई आज कि दोनों पांव हमरे, तो राम जी वही देख के मुस्कुराए, तुम दोनों पट्टा कराए हो, देना तुम्हारा बायां तुम्हारा, और ये थर्ड पार्टी खड़ी है दोनों हमरे, ले अब तुम क्या करोगे, अब जाओ सुप्रीम कोर्ट। बिहसे करुणायन चिताए जान की लखन तन, तुम दोनों बाटे बैठे हो, देखो ये दोनों पांव छीनना है। और फिर राम जी ने मुस्काते हुए केवट को आज्ञा दिया, राम जी बोले कृपा सिंधु बोले मुस्काई कृपा सोई करू जे ही तव नावन जाई, सोई करू जे ही तव नावन जाई, बेगियान जल पाय पखारू बेगियान जल पाय पखारू, होत विलंब उतारू पारू हो, कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करू जे ही तव नावन जाई, सोई करू जे ही तव नावन जाई। राम जी ने मुस्काते हुए कहा केवट भैया तुम वही कर लो कि आपकी नाव न जाए, सोई करू जे ही तव नाव न जाए। केवट ने कहा सरकार हम अनपढ़ आदमी हैं, सोई सोई हमको नहीं समझ में आ रहा है, सोई करू जे ही तव नाव न जाए, ये सोई सोई नहीं, सीधे सीधे बोलो कि पानी लाओ अरे पांव धो, ये सोई सोई हमें नहीं पल्ले पड़ रहा है, ये कोई हम कोई आचार्य हैं कि हम शास्त्री किए हैं अनपढ़ गवान है, ये सोई सोई नहीं, सूधे सूधे बोलो कि पानी लाओ पांव धो, तब हम जानेंगे कि आप आज्ञा दे रहे हो मुझको। तो राम जी साफ साफ बोले बेगियान जल जल्दी पानी ले आओ, और पाए पखारू होत विलंब उतार हो पारू, पांव धो हमको पार करो। अब राम जी का आदेश जो हुआ पानी ले आओ पांव धो लो, तो केवट नाव से उतरा और उतर के भागा अपने घर की ओर कुटिया की ओर। राम ने कहा भाई साहब जा कहां रहे हो, मैंने कहा पानी ले आओ पांव धो लो, तो जा कहां रहे हो, तो उसने कहा सरकार हम पढ़े नहीं लेकिन हम कढ़े बहुत हैं। कहा मतलब क्या, कहा मैंने संतोष सुना है कि कोई भी धार्मिक काम करना हो तो घरवाली के साथ मिलकर करना चाहिए, अकेले पांव धो लूं क्या, और जाऊंगा लाऊंगा अपनी मैडम को और गांठ बांधूंगा बाकायदा, और गांठ जोड़ के इतना बढ़िया काम मिला अकेले करूं, अपनी पत्नी के साथ करूंगा आपकी सेवा मिलकर के। ये रामराज की परिभाषा है मित्रों, हमारे संतों ने कहा है जिस घर में पति पत्नी परिवार के लोग मिलकर के संग संग भोजन भजन दो काम करते हो उस घर में रामराज की स्थापना है। मेरी आपसे विनती है एक देश में रामराज जब आए तब आए, वो नेताओं के हाथ में आपके हाथ में नहीं, देश में रामराज जब आए हो आए हो चाहे कहो ना आवे कोई चिंता नहीं, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे घरों में रामराज आ जाए। और रामराज की परिभाषा में कुछ और नहीं है, सब नर करें परस्पर प्रीति बस यही रामराज है, यही रामराज। पत्नी अलग परसे खा रही हो, बड़कऊ अलग खाना खा रहे हो, छोटकऊ अलग खाना खा रहे हो, तो यही तो हो रहा है हमारे यहां। जब से अटैच ये बन गए ना कमरे अटैच, आजकल जिसको देखो अटैच रूम बनाता है, वह कमरम नहाओ वह खाना खा लो वह पूजो कर लो वह कोने में वह कह लो। जब से अटैच परंपरा आ गई हमारे घरों में अटैच रूम, तब से हम इतना सिकुड़ गए हैं जिंदगी हमारी कि रूम तो अटैच हो गया लेकिन अपनी फैमिली से पूरा हम डिटैच होते जा रहे हैं। एक इंसान रूम में घुसता है अंदर से कुंडी बंद करता है, उसको बाहर आना नहीं, वह हम टट्टी करना वह हम खाना खाना वह में कोने कर लेता है वह हम खाना खा लेता है वह पूजा कर लेता है। अटैच नहीं, वास्तव में हम डिटैच हो रहे हैं परिवार से। हमारे यहां परंपरा थी संग संग खाने की, संग संग पूजा हमारे होता था घरों में,
और जिस घर में संग संग दो काम कहो खाली बस भजन और भोजन, उस घर में रामराज की स्थापना है, इसी को रामराज कहते हैं। हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार, भर दे झोली सबकी तेरे पूरण भंडार, भर दे झोली होवे जब संध्या काल, होवे जब संध्या काल, होके निर्मल तत्काल, होके निर्मल तत्काल, अपना मस्तक झुका के, अपना मस्तक झुका के, करके तेरा ख्याल, करके तेरा ख्याल, तेरे दर पे आके बैठे सारा परिवार, तेरे दर पे आके बैठे सारा परिवार, हम सब मिलके आए हैं दाता तेरे दरबार, हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार। राम कथा का फल है राम राज्य, और मैं फिर दोहरा रहा हूं, देश में जब आएगा तब आएगा, हमारे घरों में तो आज आना चाहिए, कथा के बाद तुरंत ही परंपरा बनाओ कम से कम यार, भोजन तो संग में करो, बड़कों को थाली अलग जा रही है, बंजलो अलग जा रही है, चुड़को अलग जा रही है, ये रावण राज्य है। तो भाई बहनों, केवट ने कहा हम पढ़े नहीं बट हम ये काम, इतना बढ़िया काम मिला है सेवा प्रभु जी की, अकेले करेंगे, लाएंगे अपनी मैडम को और मिलकर करेंगे दोनों। वो गया घर भागता हुआ, केवटानी के आगे रो पड़ा, मैडम देवी देवी जल्दी चल, कहा कि राम जी घाट पे आए हैं, राम जी ने हमको पांव धोने की आज्ञा दे दिया है, बेज्ञान जल पाए पखारू, आज्ञा मिल गई मुझको पांव धोने की, लेकिन मैं सोचता हूं कि अकेले क्यों धोऊं, अब तेरे साथ मिलकर धोऊंगा, चल मेरे साथ, गांठ बांध दोनों, गांठ बांध के तब पांव धोएंगे। अब केवटानी भी इस समाचार को पाके इतना खुश हुई, मारे खुशी की उसकी आंखों में आंसू आ गए। केवट ने कहा रोई क्यों तू, इतना बढ़िया चांस मिला रो क्यों रही, जगन्नाथ के पांव धोने हैं, जगत नियंता के पांव धोने हैं आज हम लोगों को, जिसके पांव की धूल पाने को शंकर भी तरसते हैं, ब्रह्मा भी तरसते हैं, वो पांव हमको धोने हैं आज, काश मेरे घर में सोने की थाली होती, राम जी के पांव हम सोने की थाली में धोते, न सोने की चंदिए की होती उसी में धोते, नहीं चांदी की तो लोहे की होती उसमें धोते, लेकिन क्या करूं हमारे यहां तो खाली पत्तल के धोने, राम जी के पांव धोएंगे कहे हम लोग, बर्तन तो नहीं, पात्र तो नहीं कोई। केवट ने कहा देवी राम के पांव धोने के लिए पात्र की जरूरत नहीं होती है, पात्रता की जरूरत होती है, पात्रता के, पात्र हो ना हो आपके पास अगर पात्रता है तो राम जी के पांव हाजिर हैं आपके लिए। सबरी के पास पात्र कहां था, पात्रता ही तो थी, माना जनक के पास पात्र थे लेकिन सबरी के यहां पात्र कहां थे, लेकिन सबरी को राम के पांव मिले हैं धोने के लिए, पात्र नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें, जो है आगार शुभ साधनों का बिमल, देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें, जो है आगार शुभ साधनों का बिमल, उनकी समता में कोई कमी है नहीं, उनकी समता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारे कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई। राम जी के पांव खाली जनक को ही मिले संभव नहीं है, राम जी के पांव खाली सबरी को ही मिले, खाली बलि को मिले धोने के लिए जो सब कुछ दे दिया था, ऐसा नहीं है केवट को भी राम जी के पांव मिल जाते हैं, बस आप में क्षमता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, चल पात्र नहीं, पात्रता हमारे पास है,
हम लोग पात्र न होते तो राम जी मेरे पास आते ही क्यों, बड़े बड़े ढोल नहीं पाते, हमको आज्ञा मिल गई, पात्र तो हम लोग हैं, चल वही वही बर्तन है मेरे पास। केवट आया और नाव में एक छोटा सा लकड़ी का कठोता पड़ा था, पानी उलचने वाला आइटम, नाव में पानी भरता है तो एक कोई रखते हैं केवट लोग, उसे पानी बाहर करते हैं नाव से, लकड़ी का कटोरा टाइप का था कठोता। राम की आज्ञा पाते ही केवट बीबी के साथ आया और गोस्वामी जी कहते हैं, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठोता भरी लयावा, पानी कठोता भरी लयावा, अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज लागा। केवट दौड़ा और उसी कठौता को नाव से निकाला, उसे गंगा जी का पानी भरा और राम जी के पास लाके रखा। अब यहां पर देखो केवट की होशियारी, सावधानी, कठौती नहीं कठौता लाया है। उसको शक था कि अगर कहीं पांव लगाया और जो कुछ परिवर्तन हुआ, जो कठौती होगी तो लड़की बनेगी और कठौता होगा तो लड़का बनेगा, तो बिटिया कहे बने बने तो भैया बने, तो जानबूझ के केवल कठौती नहीं पान कठौता कि बने तो लड़कवा बने। राम जी के आगे रखा और कहा, राम जी इसमें दोनों पांव रखो अपने कठौते में। राम जी ने कहा, यार इतना वित्त भर का बर्तन है ये चार अंगुल का, इसमें दोनों पांव कैसे आएंगे, बारी बारी धो के एक पांव। तो केवट ने कहा, बारी बारी में बड़ी समस्या है। कहा, क्या? मतलब एक पांव धोया उसको बाहर रखा, धूल लग जाएगी, और खतरा तुम्हारे पांव से नहीं है, खतरा धोरिए से बाहर, तो एक एक नहीं उसमें खतरा कभी टलेगा नहीं, वो देना धोएंगे बाहर रखोगे तो बाया धोएंगे तो फिर उसको बाहर रखोगे धूल लग जाएगी, खतरा उसी से, तो दोनों पांव एक संग इसमें रखो कठौता में। राम जी ने कहा, इतना छोटा है कैसे आएंगे पांव। कहा, कैसे आएंगे, ये तुम्हारी हेडेक, हमारी हेडेक नहीं, जैसे आवे आवे, अब आओ पार होना है तो उन्हें तो बैठो। अब बेचारे राम जी मजबूरी में क्या करें, ठोस ठोस के पांव आधा इस पे आधा उस पे चढ़ा चढ़ा चढ़ो करके और ज्यों त्यों उसमें ठूसे कठौता में, और जब पांव चिपक गए आधे आधे नीचे पर हो गए तो राम जी थोड़ा हिले लड़खड़ाए। भगवान ने कहा, भैया हम गिर रहे हैं यार, तुमने पांव चिपका दिए हम गिरे जा रहे हैं। केवट ने कहा, गिर रहे हो तो एक काम करो, दोनों हाथों से हमारा माथा पकड़ लो फिर गिरोगे नहीं। राम जी ने उसके चेहरे को पढ़ा, बेटा तुम किसके चेला हो, तुम्हारा गुरु कौन बा, मैंने हमारे पांव नहीं मिलते हैं बहुतों को बड़े बड़ों को, और तुम पांव तो ले ही ले हथो मांग रहे हो, लेकिन अब क्या करते राम जी, तो गिरे तो धरे। तो राम जी ने दोनों हाथ केवट के सिर पर पधरा दिए, अब केवट के हाथों में राम जी के चरण हैं और केवट के माथे पर राम जी के हाथ हैं, और केवट गोस्वामी जी कहते हैं, अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। और जब केवट राम जी के चरण पकड़ने लगा तो चित्रकूट के एक महात्मा है परम पूज्य राम भद्राचार्य जी महाराज, उनका लिखा एक बड़ा बढ़िया भजन है, सब लोग गा वो गाते हैं इस प्रसंग पर एक बड़ा बढ़िया भजन। स्वामी जी मैं उन्हीं के शब्दों को दोहराऊं, उन्हीं को प्रणाम करते हुए, राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे। जरा ताली सेवा करते हुए प्यारे स्वामी जी के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करो, उन्हीं का भजन है, राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे, राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे,
छोटे कठौता में आन गंगा जल, छोटे कठौता में आन गंगा जल, छोटे से कठौता में आन गंगा जल, छोटे से कठौता में आन गंगा जल, पुलक प्रफुल्लित गात हो आज केवट पखारे, पुलक प्रफुल्लित गात हो आज केवट पखारे, राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे, राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे, चुमी चुमी अखियन के असुवन धोवत, 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 आनंद उर ना समात हो आज केवट पखारे, आनंद उर ना समात हो आज केवट पखारे, राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे, राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे, सीता लखन चितई गिरिधर प्रभु, सीता लखन चितई गिरिधर प्रभु, ये गिरिधर जो नाम है ना ये स्वामी जी का बचपन का नाम था, और स्वामी जी बचपन से ही कवि हैं आप जानते हो, दिव्य पुरुष है, तो जब उनका नाम गिरधर था तब इस नाम से कविता लिखते थे, वो गीत लिखते थे, अब तो सन्यासी हो गए तब से उनका नाम बदल गया, लेकिन पहले नाम का गिरधर ही था स्वामी जी का, वही नाम डाले हैं इसमें, सीता लखन चितई गिरिधर प्रभु, सीता लखन चितई गिरिधर प्रभु, मधुर मधुर मुस्कात हो आज केवट पखारे, मधुर मधुर मुस्कात हो आज केवट पखारे, राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे, राघव चरण जल जात हो आज पद पखारी जल पान करी। जब केवट ने राम जी के पांव धोए और कठौते में वो जल निकला, राम जी के चरणों से धोया हुआ, वो जल नहीं था, वो गंगा जी थी साक्षात, गंगा जी, गंगा जी माने कुछ और नहीं होता, गंगा जी क्या है, जिन चरणंते निकर सुरसरी, गंगा जी कहीं बाहर नहीं टपकी हैं, भगवान के चरणों का धोवन ही तो गंगा मैया है। ब्रह्मा ने भगवान के पांव धोए थे, बावन भगवान के, और कुंडल में भर लिया था, जो तपस्या के भगवान तो वही जल घिरा दिया, वही गंगा जल है, तो भगवान के चरणों का धोवन ही ब्रह्मा के पास था, वही दे दिया संसार में। अच्छा, केवट ने वही काम तो किया है जो ब्रह्मा के थे, वही काम केवट किया, तो जो चीज ब्रह्मा के कमंडल में आई थी वही चीज सेम उस कठौते में आ गई। कठौते में क्या आया, साक्षात गंगा जी, गंगा जी। अब केवट ने विचार किया, इतना कीमती जल गंगा जल मेरे कठौते में आ गया है, अब मैं इसको पीऊं ना तो मैं मूर्ख हूं। देखो, ब्रह्मा जी धोए भले थे पांव राम जी मने भगवान के, और कमंडल में भरे बैठे रहे हजारों साल, लेकिन ब्रह्मा को पिए लिखा कर लिखा, ब्रह्मा पिए उसमें से, धोए भरे रहे पिए नहीं। शंकर जी सिर पे धर लिए गंगा जी को, लेकिन कहीं लिखा दिखाओ किसी पुराण में किसी कथा में कि शंकर जी गंगा जी का एक चुल्लू पानी पिए थे, ढोए रहे खाली बाबा ढोए रहे गंगाधर गंगाधर, लेकिन पिए बाबा को उन्हें। भगीरथ हजारों साल की तपस्या करके लाए जरूर, पुरखे ताल लिए, लेकिन कहीं लिखा दिखाओ भगीरथ खुद में नहाए, कहो खुद नहाए एक चुल्लू पानी उसका पिए, नहीं पिए नहीं पिए। केवट ने कहा मन ही मन कि ब्रह्मा गलती करें तो करें,
शंकर भी करें तो करें, भगीरथों करें तो करें, लेकिन हम ये गलती नहीं करने वाले हैं। हम तो ये फायदा उठाएंगे। कितना बढ़िया आइटम मिला, इसको हम पिए ना। हम बुद्धू नहीं है, बाकी लोग बुद्धू हैं। हे भगवान, राम राम सीता राम, राम राम हरे राम, हरे राम 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 सीता राम, राम राम हरे राम। गाओ गाओ, हरे राम 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 सीता राम, राम राम हरे राम, राम राम सीता राम, राम राम हरे राम, राम राम सीता राम, राम राम हरे राम, हरे रामा रामा राम सीता राम, राम राम हरे रामा रामा राम सीता राम, राम राम। पद पखारी जल पान करी आप, पहले उसने खुद पिया एक चुल्लू पानी, उसमें से खुद तर गंगा जल पी ले, वो तर जाता है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, गंगा जी के तट पर बसे हुए हो। अब महिमा ना समझो तो आप जानो, कई लोग हैं काशी में रह के गंगा स्नान नहीं करते हैं, और कई लोग अफ्रीका से आते हैं, अमेरिका से आते हैं नहाने, खाली काशी में नहाने आते हैं। कहीं कहाँ नहाएं, इतना प्रदूषण है, कहाँ नहाएं। विदेशी आके डुबकी लगाते हैं, अपने को धन्य मानते, मैं धन्य हो गया आज गंगा जी में नहा लिया तो। अभी अब वो घर की मुर्गी, हाँ नहाना चाहिए सबको। मेरी आपसे विनती है, देखो मत पान गंदा, गंदा गंदा नहीं है वो, आपसे तो साफ है यार। जितने गंदे हम लोग हैं उससे तो साफ है, लाख गंदा है तब हमसे आपसे साफ है। हम आप तो बहरो गंदे, भितरो गंदे। बहन भाइयों, पद पखारी जल पान करी आप, और फिर सहित परिवार, अपनी पूरी फैमिली को बुलाया, सब बच्चे भतीजे भांजे सब, सबको बुला के पूरे खानदान को, सबको एक एक घूट पानी पिलाया, ले पियो सब लोग पार चलो, सबको सब लोग पार पहुंचो। और फिर वो जो जल बचा ना, जहां उसके पुरखों की समाधियां थी, उसके पुरखों जहां फूके थे, उन पर भी ले जाके वो जल छिटा मार दिया, तुम भी जाओ बाबा दादा तुम भी जाओ। खुद तरा, बच्चों को उतार लिया और पुरखों को उतार दिया। एक आदमी परिवार में से अगर राम से जुड़ जाए, एक आदमी खाली पर इक्के जुड़ा है, बाकी सब मछली मारते थे, किसी काम के नहीं थे उसके परिवार लोग सब। लेकिन इस शास्त्रों की आज्ञा है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन, उस इंसान का पूरा कुल धन्य हो जाता है जिस खानदान का एक आदमी केवल वन पर्सन राम से जुड़ जाए। अब केवल खाली एक जुड़ा है, देखो आप सहित परिवार और पितर पार कर पुरखे भी ताल ले गया। तब राम जी के पास आया और कहा, प्रभु जी अब जल्दी करो, 9:15 होने वाला है, 9:45 जल्दी बैठो, नहीं तो फिर रहे पार रह जाओगे, पार फिर नहीं पाओगे तो आर्थिक समय हो जाएगा, बैठो आपको पार करता हूं। पितर पार कर फिर प्रभु ही पोनी मुदित गयो लय पार। राम जी ने कहा चले बैठे नाम। केवट ने कहा एक समस्या है सरकार, तुम यहां खड़े हो कठोत्तम पांव धरे और नाव वहां घाट पर है, यहां से वहां चलोगे पैदल तो आपके पैर में धूल लग जाएगी, अब खतरा धूल इस बाह हमको खाली बस। तो कहा फिर चले कैसे, वह नाव वहां है, मैं यहां हूं जाऊं कैसे। तो कहा अगर आप आज्ञा दो तो मैं आपको गोदी उठा लूं, तो धूल लग जाए न लगने पाए इसलिए गोदी ले लूं तो लेकर पहुंचा दूं नाव। भगवान फिर उसका मुंह देखे, बेटा तुम्हारे गुरु कौन है जिसकी गोदी में पूरा संसार बैठता है। कह रहा है केवट मेरी गोदी में आ जाओ, मैं आपको गोदी उठाऊं। अब भगवान मुस्कुराए, कहा ले बेटा ले उठाओ, आज तुम्हारी बाजी है, आज नंबर तुम्हारा है, जो कहो जो चाहो कर लो आज। बस केवट राम की आज्ञा पाते ही जो दौड़ा, और दौड़ के जगन्नाथ को गोदी ने अपनी गोदी में केवट ने उठा लिया। जिसकी गोदी में पूरा जगत बैठता है वो जगन्नाथ केवट की गोदी में आ गए, और राम जी को लेके गोदी में केवट नाव के पास आया और
राम जी ने कहा जानकी पहले तुम बैठो फिर हम बैठेंगे। तो सीए ही चढ़ाए, पहले जानकी को चढ़ाया फिर राम जी चढ़े नाव में बैठे। ये भी सूत्र है एक, किसी वाहन में बैठो किसी सवारी में तो पहले अपनी मैडम को बैठा लो, अगर बूढ़ा संगम हुए तो पहले बूढ़क बैठाओ फिर आप बैठो, और जो पहले आप बैठ गए हो गाड़ी को रेंग पड़ी है तो बूढ़ा गई, बूढ़ा गई। ये सूत्र है रामायण का कि वाहन बैठते समय मैडम, औरतें थोड़ा ढीली ढाली होती है ना, वो कहीं को साड़ी उड़ फंस गए पीछे रह गई बूढ़ा तो का हुई। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे। इसलिए बूढ़ा को पहले बड़ो बाद में चढ़े, तो सीए चढ़ाए तब राम जी नाव में बैठे हैं। और फिर तो गोस्वामी जी कहते हैं केवट ने नाव चलाई, नाव जब चलने लगी गंगा जी के पानी में तो गंगा मैया बहुत खुश हैं आज कि जिनके चरणों से मैं निकली थी वही चरण मेरे भीतर आ गए। गंगा मैया मारे खुशी के उछलना शुरू किए, जो गंगा मैया उछली तो नाव हिली। तो केवट गंगा मैया से बोला, मैया पहली बार नाव में बैठे हैं राम जी, पहली बार तुम बहुत हिल रही हो, ये नाव हिल रही है, राम जी भी डर जाएंगे। तो एक आदमी गया बंबई घूमने पहली बार, ऑटो किया है को थ्री व्हीलर, और ड्राइवर थोड़ा पिए था तो उसको तेज पांचवा गियर डाला, पांचवा गियर, तो उसने कहा भाई साहब जरा धीमे चलाओ, हमारा नारा हम पहली बार ऑटो में बैठे हैं थोड़ा धीमे चलाओ डर लगता है। तो ड्राइवर बोला डरो मत सेठ जी, तुम पहली बार बैठे हो और हम आज पहली बार चला रहे हैं, पहली बार देखना है कहां पहुंचते हैं हम लोग आज, ट्रामा सेंटर सीधे इमरजेंसी वार्ड। पहली बार राम जी नाम बैठे हो तुम कूद रही हो, राम जी डर जाएंगे। तो केवट गंगा मैया से बोला विनती के रूप में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में। जरा दोनों हाथों को ऊपर करके ताली सेवा करते हुए भाई बहनों कहो प्यारे, काठ की नैया भगीरथ की गंगा, 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 राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, राजा दशरथ के लक्ष्मण मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। जग नदिया के खेवन हारे, जग नदिया के खेवन हारे, सोई बैठे नाव हमारे, सोई बैठे नाव हमारे, मेरे बन गए सिगरे काम गंगा मैया धीरे बहो, मेरे बन गए सारे काम गंगा मैया, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया। नाव चल रही है, केवट बड़ी मगनता से लग्गी चला रहा है अपनी, वो लाठी चला रहा है लग्गी मन भाई नाव चला पतवार। उधर का किनारा आए, वो तट आए, उसके पहले केवट ने ऐसी लग्गी मारी नाव बिल्कुल अबाउट टर्न पीछे इधर चल पड़ी, और इधर का छोर आए फिर लग्गी मारे उधर चला दे, उधर का छोरा इधर मारे इधर मारे चला दे, चार राउंड लगवाए यहां से वहां वहां से वहां, पार नहीं करे बस बीचेस मोड़ लावे। राम ने कहा क्या कर रहे हो भाई साहब, घड़ी देख रहे हो,
का मतलब का बज गया 9:45 राइट टाइम। अरे तुम चार राउंड लगा चुके, हमको हमको दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही, चार राउंड यहां से वहां कर चुके हो। केवट ने कहा मालिक एक प्रश्न है मेरा, यहां पर हम सबको लगवाते हो 84 लाख चक्कर यहां से वहां, हमने लगवाया खाली 4 चक्कर। कभी तुमने सोचा है मालिक कि हम सब पर क्या बीतती होगी? हाँ, जो लगते हैं 84 लाख चक्कर तो हम सब पर क्या बीतता होगा? अभी तो 80 80 हाँ कितने बाकी हैं? हाँ, राम जी ने कहा कि बदला भरोगे क्या? आरती कब होगी? केवट ने कहा कभी सोचो तो हम पर सब पर क्या बीतती होगी? भगवान ने कहा केवट भैया सो जल्दी करो, थोड़ा सा हमको बहुत विलंब हो रहा है, बहुत विलंब उतारो पारू। केवट को लगा राम जी परेशान हो रहे हैं, उसने एक सवाल पूछा राम जी से कि राम जी जब आप घर से आए थे तो कोई बना के हो टाइम टेबल कि फला तारीख को यहाँ रहूंगा फला तारीख को यहाँ रहूंगा? 14 साल के लिए आए हो ना, वो तो आए ही हैं। का कोई टाइम टेबल सेट है आपका क्या? का नहीं, वो तो सेट नहीं है। का जब टाइम टेबल सेट नहीं है, 14 साल आपके पास नहीं है तो जल्दी कह कर रहे हो? अरे 10-5 दिन रह जाओ नाव पे हमारी, 10 दिन ही रह जाओ यार, क्या फर्क पड़ता है? भगवान ने कहा भाई साहब तुमसे हम आज पूरी तरीके से हार चुके हैं, बस तुम जल्दी पार लगाओ हमको। केवट को लगा राम जी पीड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मारी लगी नाव पार हुई। और गोस्वामी जी कहते हैं जो नाव पार लगी, बस चौपाइयां हैं इस प्रसंग की, सब लोग गाओ। उतरी ठाढ़ भय सुर सरी रे ता, उतरी सिय राम गुह लखन समेता, केवट उतारी दंडवत कीन्हा, केवट उतारी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। राम लक्ष्मण जानकी नाव से उतरे, बालू में खड़े हुए, लास्ट में केवट नीचे आया और उतरते ही उसने राम जी को दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। बड़ा होशियार है केवट, बड़ा सावधान है ये। अभी देखो 1 घंटे से राम जी 2 घंटे किसकी कर रहे हैं, आए तमाम झगड़ा हुआ, लेकिन अभी तक केवट ने राम जी को नमस्ते नहीं किया था, प्रणाम तो दूर की दंडवत दूर का, नमस्ते भी नहीं किया था कि राम जी हाय, राम जी हेलो। इसको प्लान था इसका कि अगर मैं पहले दंडवत कर दूं, नियम तो यह है कोई आए तुरंत उसके पास हो, ये तो नियम है। केवट ने राम के पांव आते समय नहीं सुना था, नहीं छुआ था, जानते हैं क्यों? उसको पता था दंडवत माने होता है आत्मसमर्पण, जिसके पैरों में आप अपने को डाल दो इसका मतलब हो गया कि आपका स्वामी हो गया हो, अब उसके दास हो गए, अब वो जो कहे आपको करना पड़ेगा। केवट को लगा बहुत होशियार केवट है, पढ़ा नहीं लेकिन कड़ा बहुत है, इसको लगा अगर मैं पहले आते आते सरेंडर हो जाऊंगा तो फिर मेरा जो काम ये सब पांव धोना पुरखे तारने सब रह जाएगा मेरा, फिर कहेंगे नाव लाओ नाव ले पार चलो पार चलो, मेरा काम सब छूट जाएगा पूरा। तो उसने बुद्धिमानी से काम लिया कि पहले मैं दंडवत नहीं करूंगा, जब पांव धो लूंगा और पुरखे और बच्चे सब तार लूंगा और जब राम को पार कर दूंगा अपनी शर्तों पर, अपनी शर्तों पर, तब मैं दंडवत करूंगा राम जी के पैरों। जब सब केवट का सारा काम निपट गया तब केवट उतरी दंडवत कीन्हा, और जब राम जी के पैरों में गिरा दंडवत किया तो काम होने के बाद दंडवत मतलब उतरा ही चाहिए इसको, अभी तक नमस्कार भी नहीं किया था, मुझे पार कर दिया था वो दंडवत कर रहा है, तो राम जी को लगा पार होने के बाद पांव छूना मतलब उतरा ही चाहिए इसको, तभी पांव छू रहा है। अब राम जी को संकोच हुआ कि मैं उसको उतराई में दूं क्या, मेरे पास तो कुछ नहीं, प्रभु ही सकुच, राम जी को संकोच हो गया यही नहीं कुछ दीना, और मैं दू भी तो क्या दू, मेरे पास तो इले कुछ नहीं। अब राम जी को मारे संकोच के केवट की नजरों नजरें मिला नहीं पा रहे, राम जी संकोच में नीचे देख रहे हैं, क्या दू, मांग रहा है उतराई क्या दू। तो सीता मैया अपने पति की प्रॉब्लम को समझ गई और गोस्वामी जी कहते हैं पियही की सियो जान निहारी, पियही की जान निहारी,
मन मुंदरी मन मुदित उतारी, मन मुंदरी मन मुदित उतारी। सीता मैया अपने पति की समस्या को समझ गई। राम जी कहे नहीं थे कि हमको प्रॉब्लम है अंगूठी देव, पिय ही की सीए जान निहारी। एक आदर्श धर्म पत्नी का यहां पर परिचय मिल रहा है भारत की नारी का, कि भारत की पत्नी कैसी होनी चाहिए। वास्तव में पति को अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़े अपने पत्नी को कि ये समस्या है, तो वो भारतीय पत्नी नहीं हो सकती। भारतीय पत्नी तो पिय ही की जान निहारी होती है। हमारे पिया के ही में क्या चल रहा है, बिना शब्द बिना जबान खोले जो जान जाए। वो कौन सा गाना था पिक्चर में, वो खत लिख दे समरिया के नाम बाबू, कोरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे। खत लिख दे समरिया के नाम बाबू, जान जाएंगे पहचान जाएंगे, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे। आदर्श दाम्पत्य वही है, आदर्श ग्रस्त जीवन, कि पति अपने पत्नी के मन की बात बिना कहे समझ जाए और पत्नी अपने पति की दिल की समस्या को बिना कहे समझ जाए, आदर्श दाम्पत्य होता है। कहना पड़े चाय बनाओ तो लानत है, पति कहे चाय बनाओ तो फिर चाय खट दे हाजिर हो जाए, ले चाय ले बन, हाँ तब जानना कि हम भारतीय पत्नी हैं। चाय की बात हम क्यों कर रहे हैं, हमको चाय पीने का मन कर रहा है इसमें। खैर, पिय ही की सिय जान निहारी। अब देखा हमारे पति की प्रॉब्लम है, इनके पास कुछ है नहीं देने के लिए, उतराई झट से अपनी मन मुंदरी मणि की बनी अंगूठी, अपनी मां से मिली थी उनको मैके से, मन बुद्धि तो उतारी। और दुखी मन से नहीं उतारी, अगर कहीं पत्नी को कहीं बाई चांस देना पड़ जाए गहना होना अपना गिरवी रखने के लिए, पति पर कोई आपत्ति आई हो, देना पड़ जाए बाई चांस की जरा बुलाओ सब दरिया पैसे की जरूरत है, तो देती तो है मैडम, लेकिन हा? इतना कीमती हार हमारी अम्मा हमको दिन आया। मन मुदित उतारी, सिकुड़ के नहीं कि अरे अंगूठी जा रही है, पति पर प्रॉब्लम है, ये किस काम के गहने, किस काम की अंगूठी, किस काम का माला। मन मुदित उतारी मन मुदरी, और राम जी को धीरज दिया, चुपके से प्रभु ये दे दो, संकोच नहीं मेरे पास है। कहीं कहीं नहीं, आपका उतारा है, मेरा कुछ नहीं उतारा है, मेरा सब मैं पहन के आई हूं। वैसे उतार के राम जी को दिया, और राम जी अंगूठी पाते ही बढ़ाए, कहे उ कृपाल ले उतराई, कहे उ कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई, केवट चरण गहे अकुलाई, नाथ आजू मैं काह न पावा, नाथ मिटे दोष दुख दारिद दावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। राम जी ने जो अंगूठी बढ़ाई, लो भैया, तो केवट दौड़ के राम जी के पैरों में गिरा, प्रभु क्या मजाक कर रहे हो, क्या मजाक कर रहे हो, आपने हमको कहां से कहां पहुंचाया था नाव मांग करके, जब आप मुझसे मांगे थे ना, मांगी नाव, और जिसके द्वारे पर जगन्नाथ खड़े होकर मांगे वो कोई मामूली आदमी रह गया। जब आप मांगे थे मैं बहुत ऊंचाई पहुंच गया, बहुत ऊंचा सेठ हो गया था, देखिए चार पैसे की अंगूठी हमको फिर डाउन कर रहे हैं आप, प्रभु कहां बैठाए हो हाथी पर और फिर गधा बैठा रहे हो अंगूठी देख करके हमको। हमारे यहां कुछ कुछ होते हैं वो कथाओं में, हमारे साथ लगा हुआ है, चोरी में एक है, वाह, और यहां भी हमारा भक्त देखो बैठाया गया बीच बीच में अपना। हाँ होना चाहिए कथा, हाँ जो लगे कथा में कुछ हो रहा है,
जियो 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 भगत राज। नाथ आज मैं काह न पावा, जिसको राम मिल जाए उसको क्या नहीं मिला उस दिन। ये सोना चांदी क्या है राम के आगे? पायो जी मैं तो चांदी सोना तो बहुत चिंदी बिंदी खूब कमाया हमें नाव से, लेकिन आज जो मुझको जो मिला है उसके आगे सब क्या है? पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमौलिक दीम्हारे सतगुरु, वस्तु अमौलिक दीम्हारे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैं तो कृपा राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। खर्चे न खूटे चोर न लूटे, खर्चे न खूटे चोर न लूटे, खर्चे न खूटे चोर न लूटे, खर्चे न खूटे दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। आज मुझे क्या नहीं मिला सरकार, और ध्यान देना केवट कह रहा, जब जिसको राम मिलते हैं उसके दोष दुख दारिद्र सब मिट जाते हैं। ध्यान देना मित्रों, दरिद्रता आपके जीवन की तभी मिटेगी जब राम को मिलेंगे। राम जब तक नहीं मिले हैं तब तक चाहे अरबपति हो जाओ खरबपति हो जाओ अंबानी के काका फूफा मामा सब हो जाओ, लेकिन जब तक राम नहीं मिलेंगे आप दरिद्र के दरिद्र ही रहोगे, आप और हम सब। कबीर से पूछो, कबीरा सब जग निर्धना, बाबा कहते हैं अपने को मानो मानो मानते रहो अरबपति में। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, फिर कौन धनवान है? तो कबीरदास जी बोले धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए, जो राम को पा गया है बस वही उसका मिटे दोष दुखदारी दावा। और जब तक राम नहीं मिल रहे हैं तब तक तो इंसान दरिद्र का दरिद्र ही है, दरिद्र ही। दरिद्रता माने कि ये सब कभी पूर्ति होती नहीं। अगर मान लो एक मकान हो जाए, अच्छा जिनके एक मकान है वो संतुष्ट है क्या? वो दूसरा ढूंढ रहे हैं। एक खेत मिल जाता कहीं और रोड पर, हाँ एक प्लाट और मिल जाता कहीं 600 स्क्वायर फीट का रोड मिल जाता, दो दुकानियां पड़ जाती मजा आ जाता, और दुकानें पड़ जाए तो एक बीघा मिल जाए तो फैक्ट्री पड़ जाए मजा आ जाए। ये मन इतना दुष्ट है ये कभी प्राप्त में संतुष्ट होता ही नहीं है। जब तक राम नहीं मिलेंगे ये आपका मन दरिद्र का दरिद्र रहेगा। ऐसे ये चाहिए ये मिल जाए तो वो चाहिए, वो मिल जाए तो वो चाहिए, लोग कहते हैं बस, खाली कहते खूब है बस महाराज, अब बस यू अत्ता काम हो जाए आगे सब फिट, कुछ ना चाहिए आगे, लेकिन वो मिल जाए तो आगे फिर और चाहिए और चाहिए। दरिद्र है हम लोग भीतर से, दरिद्र है भीतर से, कंगाल है। भीतर की कंगालियत तभी जाएगी जब 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 राम मिलेंगे तब, बिना राम के कंगालियत कहां जाने वाली। भाई बहनों केवट कह रहा मुझे आज राम मिले हैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारी दावा। और जानते हो सरकार, बहुत काल में कीन मंजूरी, बहुत काल मंजूरी, आज दीन विधि बनी भली पूरी, आज दीन विधि बनी भली पूरी, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे,
दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। केवट कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए अब नाथ, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ध्यान देना मित्रों, जो राम की सेवा करता है वो अंदर से ही बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम की सेवा का यही फल है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर अपने चेक करो इसी बहाने, अगर आपके अंदर एक भी वस्तु के प्रति चाहिए लगा है, इसको नोट करो कहीं पर फटाफट, अगर आपके भीतर एक भी चीज के प्रति चाहिए लगा है, इसका मतलब है कि आप झूठे धूपबत्ती कर रहे हो, झूठे झूठे घंटी हिला रहे हो, आप राम के सेवक हो ही नहीं। राम सेवा करे और चाहिए संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। केवट ने राम की सेवा किया, वो कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और जबकि केवट की पॉकेट में 25 का सिक्का नहीं है, 54 उसकी जेब में नहीं, फिर भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। और हमारे आपके पास कितना है, कितना है, लेकिन तब हूं दे चाहिए, ये चाहिए, फिर वो चाहिए, वो मिल जाए तो फिर ये चाहिए। खाली चाहिए में जीवन जा रहा है। और ध्यान देना मित्रों, जिसको चाहिए वो दरिद्र ही है, दरिद्र ही है। जिसके जीवन में चाहिए लगा है वो कंगाल, कंगाल। और अब पति है तो कंगाल, वो खरब पति है तो कंगाल, वो चिरकुट, चिरकुट है। जिसके चाहिए फुल स्टॉप लग गया हो, चाहिए फुल स्टॉप लग जाए वो शहंशाह कहलाता है। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, अब जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। ये परिभाषा हमारे यहां सेठ की है। सेठ कौन, सेठ कौन? जिसको चाहिए वो भिखारी, जिसको चाहिए वो भिखारी, नित्य भिखारी हो, नित्य भिखारी। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सेठ कहलाता है। केवट सेठ है यार, कंगाल नहीं, सेठ है। अब कछु नाथ न धर्म, राम माने धर्म होता है, ध्यान देकर सुनेगा, राम माने धर्म। और धर्म की सेवा किया इसने है केवट ने, धर्म का फल जानते हो क्या होता है? धर्म का फल क्या होता है? पैसा, रुपया, अमीरी, गरीब, कोठी, बंगला, ये सब आपकी भूल है। धर्म का फल ये सब नहीं है। क्योंकि धर्म करो तो कुछ, धर्म कर्म करो तो थोड़ा सा कुछ माल वाल मिले, धर्म का फल माल नहीं होता है। धर्म का फल जानते हो क्या होता है? कोई बताएगा आप में से धर्म, धर्म का फल क्या होता है? भक्ति नहीं, आगे बोलो। धर्म का फल क्या लिखा है शास्त्रों में? राम माने धर्म, और धर्म की सेवा जो करे वो क्या पाता है फल में? धर्म का फल लिखा है धर्म ते विरति। धर्म का फल है अंदर से वैराग्य, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये धर्म का फल होता है। अगर आप अपने को चेक करो, अगर आपके अंदर ये शब्द आ गए मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो आप धर्म पुरुष हो, आप धर्म की सेवा कर रहे हो। अगर चाहिए चाहिए लगा है तो आप पाखंडी हो, आप ढोंग कर रहे हो, धर्म खाली बाना बनाए हो, धर्मा धर्मात्मा नहीं हो। धर्म का फल वैराग्य होता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, राम मिल गए तो विभीषण जब राम को पाया ना सुंदरकांड में तो भी यही बोला है, उर कछु प्रथम। जब तक आप नहीं मिले थे कुछ था अंदर की ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन आप मिल गए ना तो बस सब बह गया। उर कछु प्रथम वासना रही प्रभु पद प्रीति सरित सोबही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। केवट ने कहा हम नहीं कुल लेंगे, तो राम जी ने कहा भैया मैंने सुना है कि पंडित की पंडिताई और नाई की बनवाई और केवट की उतराई, ये कैश बिल्कुल तुरंत देनी चाहिए, क्योंकि उनकी जीविका वही होती। तुमने हमको पार किया है गंगा से पार के, वो केवट हो, उतराई ले लो अपने आप, मैं उतराई दे रहा हूं, उनको दे नहीं रहा, उतराई ही तुम्हारी है।
कहो कृपाल ले उतराई, मैं आपको दान नहीं कर रहा हूं, कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, उतराई दे रहा हूं मैं आपकी, मल्लाह हो तुमने हमको बार किया है ले। तो केवट ने कहा हम मल्लाह हैं, तुमको हो फिर तुम कौन हो? हम तो छत्री हैं। कहा चुप रहो महाराज, झूठ क्यों बोलते हो, तुम भी मल्लाह हो, हम मल्लाह तुम, हम दोनों की कास्ट एक है, बरादरी एक है, और एक स्टाफ दोनों का है, एक स्टाफ, हम मल्लाह तुम भी मल्लाह। और जो राम को मल्लाह बोला केवट, लक्ष्मण फिर धनु उठा ले, तुझको मैं जान से मारूंगा भैया, मैं मल्लाह हूं, हम लोग ठाकुर हैं, मल्लाह नहीं है। तो केवट ने कहा तुम ठाकुर हो गए सरकार, तुमको हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारे राम जी मल्लाह है बा, बस थोड़ा अंतर है कि थोड़े बड़े मल्लाह हैं, थोड़े छोटे मल्लाह हैं, हम सबको गंगा जी से पार करते हैं, ये सबको भव पार करते हैं, भव सागर पार करते हैं, बाकी है मल्लाह है। और जब हम दोनों का एक ही स्टाफ है तो भला बस वाला बस वाले से किराया मांगता है, जब बस वाला से नहीं मांगता है, ऑटो वाला ऑटो से नहीं मांगता है, तो एक नाव वाला दूसरे नाव वाले से कैसे मांग सकता है? प्रभु आप भी मल्ला हम भी मल्ला, और एक काम हो जाए बस, आप मेरे घाट पर आए मैंने आपको उतार दिया, मैं जब तुम्हारे घाट पर आऊं भव सागर पर तो हमने गंगा से पार किया और तुम भव से पार लगा देना, बस हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। भगवान ने कहा केवट भैया, मन ही मन कहा केवट भैया किसी का उधार तुम रखते ही नहीं, तुमने हमारे पांव धो के हमारी सेवा किया है, एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी तुम्हारे आंसुओं से पांव धोएंगे और तुम्हारी सेवा आंसुओं से पांव धो के करेंगे तो मेरा लेन देन पूरा हो पाएगा। रामा सुदामा द्वापर में, और भगवान ठाकुर जी बने कृष्ण राम जी, और फिर गोस्वामी वो लिखते हैं शास्त्रों में कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं नयनन के जल सो पग धोए। तूने हमारे आज पांव धोए हैं, चुमचिम अखियन की आंसुओं धोवत, मैं भी तेरे पांव आंसू पखारूंगा तब मेरा हिसाब किताब पूरा होगा। भगवान ने बहुत कोशिश की, ले लो यार ले लो कुछ ले लो, लखन भी बोले सीता मैया भी बोली ले लो कुछ यार। तो गोस्वामी जी कहते हैं केवट ने कहा अगर बहुत देने की शौक है एक काम करो, फिरती बार आज नहीं लूंगा, आज तो कसम खा चुका हूं, का है पद कमल धोए चढ़ाए नाव न नाथ उतराई चहो मोहे राम राउर आन दशरथ शपथ आज तो लूंगा ही नहीं, कसम खा चुका हूं कसम तोड़ूंगा नहीं। फिर कब लोगे? तो केवट बोला फिरती बार मोहि जो देवा फिरती बार मोहि जो देवा सो प्रसाद में सिर धरी लेवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। लौट के आना 14 वर्ष के बाद, मेरी नाव से उधर चलना उस तरफ, अच्छा उधर आपको पहुंचाऊंगा तब जो दे दोगे ले लूंगा, आज तो ले लूंगा। और जब फिरती बार राम जी आए तो हवाई जहाज से आ गए, पुष्पक से गंगा उंगा से पार हो गए, इसे हेलीकॉप्टर से। केवट ने राम जी को बहुत मने झगड़ा कर दिया कि हमने वादा लिया था फिरती बार मोह जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा, तुम तो जहाज से निकल रहे इधर, हमने नाव खड़ी है जानते हैं आप। 14 साल केवट ने फिर नाव चलाई नहीं थी, वो जब तक राम जी आए नहीं वापस ना, वो केवट अपनी नाव को फूलों से धूपबत्ती से रोज पूजा करता था, अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूजा करता था और आंसुओं से रोज रोता था कि देवी ये नाव नहीं है मेरा मंदिर है, ये इस नाव ने मुझको राम से मिलाया है, अब जिस नाव में राम बैठ चुके उसमें अब आम आदमी बैठे ठीक नहीं है, अब इसकी हम लोग सेवा करेंगे पूजा करेंगे और जब राम जी आएंगे तो राम जी को ही उधर ले चलेंगे इस नाव से। 14 साल केवट वेट किया था और राम जी आए हेलीकॉप्टर से, केवट लड़ गया वाह भाई वाह, एक और तरीका हम नाव लिए बैठे आपके लिए 14 साल से, आप तो हेलीकॉप्टर सके। तो भगवान ने कहा यार पहले का उधार बाकी भी दे नहीं पाए हैं, तुमने कहा था सो प्रसाद में से धर लेवा तो चलो आपको प्रसाद देता हूं, चलो हम चलो अयोध्या हमारे साथ वहीं प्रसाद आपको देंगे। तो भगवान ने विमान में उसको सवार किया, वापसी में आते समय पुष्पक में सवार किया, अयोध्या लाए और लिखा है दीन्हे भूषण बसन प्रसादा, केवट के भगवान ने अपने साथ ला के अयोध्या जी में और उसको गहने और कपड़े प्रसाद में दिए हैं और सो प्रसाद में सिर धर लेवा, केवट राम के हाथों का प्रसाद पा के धन्य हो गया है। लेकिन केवट को भगवान ने, क्योंकि वो तो मिलेगा 14 साल बाद,
अब राम जी यहां जो जाने लगे जब, तो जाने के पहले केवट को एक वरदान दिया है प्रभु ने, एक प्रसाद दिया है, और भी बड़ा कीमती प्रसाद है केवट को मिला हुआ। बस आखिरी वो दोहा है इस कथा का, 102 नंबर का दोहा, इसको गा लो, इस चैप्टर का क्लोज यहीं पर है। बहुत कीन सिय लखन हठु नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणा यतन भगति विमल बरुदे, भगति विमल बरुदे। बहुत कीन सिय लखन हठु जब केवट ने कुछ नहीं लिया तो भगवान ने उसको भक्ति प्रदान की और राम जी वहां से आगे बढ़े हैं। यह अंतिम सूत्र इस कथा का है, जो भगवान से कुछ और नहीं लेता है तब उसको भक्ति की प्राप्ति भगवान कराते हैं। यह भक्ति पाने का सूत्र लिखा हुआ है, नहीं कछु केवट ले तब भगत विमल बर दे। अगर कुछ और मांग लिए कि फलानी चीज लाओ, ये चीज लाओ, ये चीज दो, तो वो चीज तो पा जाओगे लेकिन मुख्य चीज से वंचित रह जाओगे। अगर भक्ति मणि की प्राप्ति करना चाहते हो तो चिल्लर मत मांगो, हाथी पाल के हर मत जोतो उससे यार। भगवान की पूजा करो, पोता मांगो तो हाथी से हर जोत रहे हो। अगर भक्ति पाना चाहते हो तो आज तक मांगे हो तो मांगे हो, आज के बाद संकल्प करो कि जब भी मंदिर जाएंगे भगवान की पूजा करेंगे। अगर भक्ति की प्राप्ति करना है तो आज तक जो गलती किए किए, आज के बाद हम कुछ मांगेंगे ही नहीं। उसको सब पता है, उसको क्या मांगना है, सब पता है उसको। मांग मांग के अपनी हम मुख्य चीज से वंचित रह जा रहे हैं, मुख्य चीज से। आज तक गलती कर रहे हो, भले किए हो, आज से जाग जाओ, समझ जाओ, मंदिरों में भगवान के सामने मांगना बंद करो अगर भक्ति पाना चाहते हो तो। केवट को भक्ति मिली, राम जी आगे बढ़े हैं, और आगे बढ़े तो कहां पहुंचे वो अब कल बताएंगे।